गाय हमें पालती है, ना कि हम गाय को पालते हैं। माँ हमें पालती है, हम माँ को नहीं पालते हैं। रूखा सूखा घास खाकर अमृत तुल्य दूध दे रही है, किसी भी तरह का पानी जल धारण करके गंगा स्वरूप गौमूत्र दे रही है, और पत्थर पर गिरे तो ही वह शिवलिंग शिवलिंग कहला रहा है। हम भारत को क्या मानते हैं? भारत को प्राचीन समय से ही एक आध्यात्मिक कंट्री मानते हैं, एक एक स्पिरिचुअल कंट्री, नॉट जस्ट ज्योग्राफिकल रीजन। तो तर्क शास्त्र में जब आप पारंगत लेते हैं, जो बुद्धि का शास्त्र है, यू कैन बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, फिलोसोफर, आप कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी का जो लिटमस टेस्ट है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो होता है सात्विकता। अब गाय को, गौ माता को, अगर हम भारतीय सनातन का भौतिक स्वरूप कहें तो कोई गलती नहीं होगी। तो जो सात्विकता की जो भरमार है, चाहे वो पंचगव्य हो, चाहे दूध के रूप में हो, या फिर सिर्फ सानिध्य के रूप में आप समय भी बिताएंगे, तो आपका जो प्रकृति है, आपका जो गुण धर्म है, उसमें भी बदलाव आता है। इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा मुझे बुलाया, और आज हमारा टॉपिक गौ माता के ऊपर है, और जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी को नमस्कार कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे इस टॉक को दिया। तो हमारे स्क्रीन पर एक शब्द है, गो लोक। हमने स्वर्ग लोक नाम सुना है, मृत्यु लोक नाम सुना है। अब ये लोक शब्द हम वर्ल्ड से समझते हैं, दुनिया, गो लोक। और यह शब्द मैंने उधार लिया है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण, उनके मित्र जो सभी आदर्श गोपालक हैं, गोपियां, गौ माता और बंसी, बांसुरी, जो भावना सूत्र हम बोलते हैं, उन दोनों के बीच में जो एक भावनाएं हैं, तो यह जो स्थान होगा उसे ही हम गोलोक कहेंगे। ठीक है, और आज का जो विषय है वो है भारतीय गौ वंश। गौ शब्द हम बहुत बार बार सुनते हैं, लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन है या जो अंडरस्टैंडिंग है, हमेशा गाय को लेकर आ जाती है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए वंश शब्द का मैंने प्रयोग किया। गौवंश मतलब नंदी, बैल, बछड़े, बूढ़ी गाय, ऐसी गाय जो दूध नहीं भी देती है, सभी को जब हम ध्यान में रखते हैं, उस कलेक्टिवली हम वंश का नाम दे रहे हैं। ठीक है, गौवंश। और जो पूरे विश्व में जो प्रचलित है कि भारतीय गौवंश को जो साइंटिफिक नेम बोला जाता है, वो है बॉस इंडिकस। ये अफ्रीका में भी है, मतलब ये जो पीठ है, जो उठी हुई है, सूर्य केतु नाड़ी, जेबू कैटल, उसे बॉस इंडिकस बोला जाता है। ठीक है, तो यह जो प्रजाति, जाति आप देख रहे हैं, यह है कंकरेज। मैंने सोचा कि गिर की बहुत ज्यादा ब्रांडिंग हो गई है, तो बाकी जातियों के साथ क्यों भेदभाव होना चाहिए, है ना। तो कंकरेज यह एक तालुका, एक ब्लॉक है गुजरात में, बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट में। और यह जो गाय है, गौ माता है, ये बहुत ही हीट स्ट्रेस वाले कंडीशन में, रूखे सूखे क्षेत्र में रह के भी किसानों की बहुत अच्छे से सेवा करती है। ठीक है, और यही वह गाय है जो ब्राजील जाती है गिर के साथ, और वहां पर इसका नामकरण होता है गुजरा। ठीक है, और फिर यह अमेरिका जाती है, वहां पर नाम पड़ता है अमेरिकन ब्राह्मण। ठीक है, तो वहां की जो यूएस की जो ब्राह्मण ब्रीड है, उसमें नेलोर, गिर और कंकरेज, इन्हीं गायों का योगदान है। ठीक है, तो आप देखिए हो क्या रहा है। हम जर्सी, होलिस्टन, फ्रीजियन, यूरोपियन कंट्री, ब्रिटिश कंट्री से आ रही है, ठंडे प्रदेश से हम मंगा रहे हैं, और ये हमारे गर्म प्रदेश, मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन है, कर्क रेखा हमारे देश से गुजरती है, यहाँ की गायों को वो ले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि पर्यावरण, क्लाइमेट जो हमारा चेंज हो रहा है, जो गर्म हो रही है वातावरण, उसमें जो ठीक से रहने की क्षमता है, स्वस्थ रहने की जो क्षमता है, वो बॉस इंडिकस में है और इनमें बहुत गुण है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी प्रजाति, हम अपने भारतीय वंश को भी हमने नहीं पहचाना। यहाँ पर जो चित्र है, यह है समुद्र मंथन का, अंकुरवट मंदिर, जो कंबोडिया में एक विशालतम मंदिर है विश्व का, वहां पर एक दीवार पर चित्रण है समुद्र मंथन का। ये कथा बहुत प्रचलित है भारत, इंडियन कॉन्टिनेंट में। तो उसमें एक उपहार स्वरूप हम सुनते हैं कि कामधेनु भी प्रकट होती है, निकलती है, ऐसी गाय जो इच्छाओं की पूर्ति करती है। ठीक है, और हम ऐसे कैजुअली जब हम बात करते हैं कि हमें डेयरी पालन करना है, हम गौ पालन करना चाहते हैं, आप इस वाक्य को देखिए कि गाय हमें पालती है, ना कि हम गाय को पालते हैं। माँ हमें पालती है, हम माँ को नहीं पालते हैं।
रूखा सूखा घास खाकर अमृत तुल्य दूध दे रही है, किसी भी तरह का पानी जल धारण करके गंगा स्वरूप गौमूत्र दे रही है, और पत्थर पर गिरे तो ही वह शिवलिंग शिवलिंग कहला रहा है। आप समझ लीजिए, जो शिवलिंग है वह भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी वह शिवलिंग नहीं कहलाएगा अगर देसी गाय का दूध हम समर्पित ना करें। ठीक है, तो हम इस क्राइसिस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं कि हमारे समाज से अगर गौवंश जाती है तो उसका नुकसान क्या है। हम भारत को क्या मानते हैं? भारत को प्राचीन समय से ही एक आध्यात्मिक कंट्री मानते हैं, एक स्पिरिचुअल कंट्री, नॉट जस्ट ज्योग्राफिकल रीजन। तो तर्क शास्त्र में जब आप पारंगत लेते हैं, जो बुद्धि का शास्त्र है, यू कैन बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, फिलोसोफर, आप कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी का जो लिटमस टेस्ट है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो होता है सात्विकता। अब गाय को, गौ माता को, अगर हम भारतीय सनातन का भौतिक स्वरूप कहें तो कोई गलती नहीं होगी। इसलिए भी जो कथा है कि 33 कोटि देवी देवता जो है गाय में वास करते हैं, तो जो सात्विकता की जो भरमार है, चाहे वो पंचगव्य हो, चाहे दूध के रूप में हो, या फिर सिर्फ सानिध्य के रूप में आप समय भी बिताएंगे, तो आपका जो प्रकृति है, आपका जो गुण धर्म है, उसमें भी बदलाव आता है। और अध्यात्म में तो हम बात करते हैं कि आगे सात्विकता का भी हम त्याग करते हैं, लेकिन एक बेसिक नीड जो होता है सात्विक गुण का होता है, और वो गौ माता बहुत ही अच्छे से इसकी पूर्ति करती है। तो एक केस स्टडी है, मैं लेके आया बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, एलन सेवरी हमारे साइंटिस्ट, ये साउथ अफ्रीका में इनकी टीम को लगता है कि जो जंगल है वो जो भूरे हो रहे हैं वो हर्बीवोर की वजह से हो रहे हैं, शाकाहारी जीव की वजह से हो रहे हैं। तो इनकी टीम क्या डिसाइड करती है, गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि आप हर्बीवोर को किल करो, तो सबसे बड़ा जो है उसको पीछे पड़ गए, वो मतलब हाथियों के पीछे, और 40,000 हाथियों को मरवा दिया। ये बहुत पुरानी बात नहीं है कि बहुत पुरानी शताब्दियों की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ दशक पहले की बात है। हाँ, हाथी के दांत का बिजनेस बहुत हुआ होगा, लेकिन गलती का एहसास हुआ और कुछ ही वर्षों में उन्हें लगा कि गलती हुई है, तो अब इसकी भरपाई कैसे होगी। हाथी को उस स्थान पर लाना आप समझ लीजिए कितना लॉजिस्टिकल क्राइसिस है, कितना महंगा पड़ेगा वापस से उतने जीव जंतु को वहां पर लाना। तो ये क्या करते हैं कि पहले सोचते हैं कि अब हम थोड़ा जो मेथोडोलॉजी है उसको थोड़ा सुधार करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक साइंटिस्ट की तरह पहले ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो एक छोटे से पायलट मॉडल में वो गायों को लाते हैं, ठीक है, और ये देखते हैं कि जो गोबर है वो गिर रहा है, गौमूत्र है जो गिर रहा है उसको टच नहीं करते हैं, ये गोबर गौमूत्र को टच नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं, ये एकदम नेचुरल छोड़ देते हैं कि हम देखते हैं कि क्या स्थिति है, ठीक है। और देखते ही है कि कुछ ही दिनों में वो गोबर गायब हो जा रही है, मतलब मिट्टी में मिल जा रही है। तो जो डंग बीटल है वो बहुत ये काम तेजी से कर रहा है, ये भारत में भी पाई जाती है, ये जो गोबर है उसको, या दीमक हम जो बोलते हैं, या डंग बीटल है, ये मिट्टी में मिला दे रही है। अब उससे क्या हो रहा है, मिट्टी में हम कुछ एडिशन कर रहे हैं ना, पहले का जो उसका कंस्टिट्यूएंट है, प्रॉपर्टी है, अभी जो होगी वो एकदम अलग हुई है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा मटेरियल जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि सॉइल स्पॉन्जी हो रही है, स्पॉन्जी हो रही है, सॉफ्ट हो रही है, एंड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ रही है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है। और अप्रोक्सीमेटली 1 kg ऑफ काउडंग में हम बात करें तो 9 liters ऑफ मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ रही है। अब नमी आ जाएगी ना मिट्टी में, अगर नमी टिकेगी, घास और वनस्पति उगने लगते हैं। आप समझिए, गौ माता आई और घास अपना भोजन उसने स्वयं उसका इंतजाम कर लिया, वो घास खा रही है, और फिर माइक्रोब्स जो है, जैसे जीवन आता है तो सिर्फ जो आंख से दिख रहा है वही नहीं आता है, माइक्रोबियल लेवल पे बहुत सारे माइक्रोब्स आते हैं। तो इन्होंने नोटिस किया कि एक स्यूडोमोनास सेरिंगे बैक्टीरिया जो है वो दिख रही है। अब ये जानते थे कि अरे ये बैक्टीरिया तो क्लाउड्स में पाया जाता है, क्या होता है ये आइस न्यूक्लिएशन टेम्परेचर बढ़ाता है। अब ये मैं समझाता हूँ आसान भाषा में, जैसे रोड पर बर्फ जम जाती है, जो ठंडे प्रदेश में जब बर्फ जम जाती है तो नमक को छिड़का जाता है तो वो पानी बन जाता है, मतलब टेम्परेचर में, प्रेशर में कोई चेंज किए बिना स्टेट ऑफ मैटर को उन्होंने बदला, बर्फ से पानी बनाया। तो उसी तरह कुछ माइक्रोब्स भी ऐसे हैं कि टेम्परेचर प्रेशर बिना बदले हुए आइस न्यूक्लिएशन टेम्परेचर थ्रेशोल्ड एनर्जी इस तरह से बदला कि वो वाटर भी बर्फ बनता है, भारी होता है वो कण, और वो आप देखेंगे शुरुआती मानसून या बारिश में बर्फ के जो ओला तो हम नहीं बोलेंगे, इन छोटे छोटे कण जो है गिरते हैं,
ठीक है। तो ये कौन कर रहा है? ये छोटे से सूक्ष्म जीवाणु कर रहे हैं। ये कहां से आया? ये वनस्पति से आया, ये घासों से आया। और यहां पर घास कहां से आ रही है? सॉइल की प्रॉपर्टी चेंज होने से। और वो किसने किया? गौ माता ने किया। तो कुछ वर्ष पहले जब मुझे ये इस श्लोक से सामना हुआ था, वशा प्रजन्य पत्नी देवाम अप्येति ब्रह्मणा, तो प्रजन्य पत्नी, बादलों की पत्नी गाय को डिनोट किया जा रहा है। तो मुझे लगा हमारी जो भावनाएं होती हैं, श्रद्धा होती है, और फिर गोपाल सुतरिया जी से जब मैंने सुना कि जहां गाय नष्ट होगी वहां पर बारिश की बहुत समस्या होगी, फिर मुझे वही बात लगी कि हम अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी हमारी बातें भावना पर होती है, श्रद्धा पर होती है, भक्ति पर होती है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं, एक इनडायरेक्ट कोरिलेशन है। घास का आना, सॉइल का बदलना, स्यूडोमोनास सेरिंगे का आना, और फिर बादलों का आना, मतलब ये बैक्टीरिया अगर नहीं होगी, बादल तो बनेंगे, उस क्षेत्र में बारिश उतना फ्रीक्वेंट नहीं होगा। तो ओपन ग्रेजिंग काउस जहां होंगे, जहां पर चरने वाली गौ माता की संख्या अधिक होगी, आप समझिए कि वहां पर ये जो रेन बेयरिंग बैक्टीरिया है वो महत्ता में बढ़ रही है। तो एक डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं, इनडायरेक्ट कोरिलेशन है। जैसे कि हम बोलते हैं कि पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है, प्रकृति प्रकृति को खींचती है। तो गौ माता से करीब प्रकृति और मनुष्य से करीब, ये जो है ये ब्रिज है, ये जो है तो इसके अलावा मैं किसी और को नहीं समझता जो प्रकृति के बीच में हमारा सामंजस्य स्थापित करती है। तो गावो विश्वस्य मात्रा, मतलब भारत की माता सिर्फ नहीं है, धरती माता एक हुई माता हमारी, गावो विश्व की माता है। तो एक इंटरेस्ट आया कि देखते हैं प्राचीन जो सभ्यताएं हैं वो उनके देवी कौन है, देवता कौन है। तो स्काई गॉडेस नट डिपिक्टेड एज अ काउ प्राचीन मिस्र में, मेसोपोटामिया में नंदी वर्षी पर, बुल वर्षी पर है। अब ये जो दो सभ्यताएं है ना, अभी अगर नाम लो ये कौन से अभी मॉडर्न डे कंट्री है, इजिप्त, इराक और सीरिया, ये तीन देश का नाम सुनते ही एटलीस्ट हमारे दिमाग में ये आता है कि सूखा क्षेत्र है, रेगिस्तान है, उपजाऊ जमीन नहीं है, अशांति भी है, ठीक है। और ये सभ्यताएं अभी नहीं है, ठीक है, प्राचीन मिस्र एंड मेसोपोटामिया आज नहीं है, भारत आज भी है। भारत में गायों की स्थिति जैसी भी हो बुरी है, नंदियों की स्थिति बुरी है, लेकिन एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है और ये सभ्यता भी अभी टिकी हुई है। तो मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक कोइंसिडेंस आपको दे रहा हूं, एक क्यूरियोसिटी के लिए कि आप देखिए कि इनका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो चुका है और यहां पर इन कैटल्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, ठीक है। और ये आपके लिए टास्क है कि ऐसा क्या हुआ कि मिस्र में और एंशियंट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया में ऐसे कौन लोग आते हैं, कौन बीफ ईटर बनते हैं और पूरी की पूरी जो धरती है वो खराब होते जाती है। देखिए खराब तो हो नहीं सकती थी, जो भी सभ्यताएं हम मानते हैं कि नदी, नदी के दाएं बाएं एकदम फर्टाइल लैंड में ही होती है। इसलिए भारत में यूपी, बिहार और बंगाल का जो बेल्ट है हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि गंगा का गैंगेटिक प्लेन है। तो इसी तरह वहां की भी धरती बहुत ही शानदार रही होगी, लेकिन आज नहीं है। शायद वो स्यूडोमोनास सेरिंगे नहीं है और उनको बुलाने वाली गौ माता नहीं है। एक और केस स्टडी, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ कि जो कॉलोनाइजर्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो माइंस को ओपन करते हैं, खान है। तो माइंस को चलाने के लिए ना लेबर का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, आज की तरह तो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं रही थी। तो ये जाते थे गांव तो लोग काम नहीं करना चाहते थे, मतलब ये बड़ा पर्सुएसिव होने की भी कोशिश करते थे, लालच देते थे, लोगों को मतलब नहीं होता था क्योंकि लोगों को भोजन की कभी कमी नहीं थी, आजादी थी, रियल फ्रीडम था और अपना विलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे। अब होता क्या है, ये चीज जानबूझ के इन्होंने की कि अनजाने में हुई ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन रिंडर पेस्ट फैलता है, महामारी फैलती है और 90% कैटल, गौ से लेके भैंस, बकरी, जितनी भी पशु आप बोलिए जो डोमेस्टिकेटेड होती है, 90% कैटल, 52 लाख, 120 साल पुरानी मैं बात बोल रहा हूँ, 52 लाख पशु मरते हैं। और ये जो लोग है ना, ग्रामीण लोग हैं, ये रोते बिलखते हुए ये मजबूरी में उस माइंस में काम करने के लिए लेबरर बनते हैं। अब यहाँ पे कॉलोनाइजर्स को एक बात समझ में आती है कि इनकी जो स्ट्रेटेजी रही है, जैसे नेटिव अमेरिकन को मारा यूएस में, अफ्रीका में कैटल्स को खत्म हुआ और भारत में कल्चर पे अटैक किया, मतलब जो भी सिविलाइजेशन जिस स्ट्रेंथ पे खेल रही है ना, भारत का स्ट्रेंथ सिर्फ पशु, सिर्फ सैन्य ताकत या ये नहीं है कि हाथियां हैं, सिर्फ
संस्कृति और कल्चर भी अटैक है, इसलिए यहां पर इन्होंने एजुकेशन पे अटैक किया, अफ्रीका में इन्होंने डिपेंडेंसी को क्रिएट किया और यूएस में लोगों को ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो एक कॉलोनाइजेशन मेथोडोलॉजी का भी शुरुआत होता है अगर निर्भरता, आत्मनिर्भरता खत्म होते। तो आप इसको इंडिया पे भी लगा सकते हैं, अगर भारत से माइग्रेशन बहुत हो रहा है रूरल टू अर्बन, तो कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है, और वो आप समझ लीजिए अगर 40 करोड़ 20 करोड़ जो पॉपुलेशन रही गौ माता की, अब वो नहीं है उस हिसाब से, और एटलीस्ट ऐसी गायें तो नहीं है जो लो मेंटेनेंस है ना। हम लीटर्स पे बहुत कैलकुलेट कर देते हैं कि दूध इसमें ज्यादा है इसमें कम है, लेकिन देसी गाय इंडिजिनस कैटल हमारे वातावरण के लिए सबसे सुटेबल है, तो हम उसको बोलते हैं लो मेंटेनेंस, है ना। ठीक है, अब वेद में आप समझ लीजिए 1331 बार संदर्भ आता है गौ माता की, या तो सीधे सीधे तौर पर बात हो रही है या इसके दृष्टांत दिया जा रहा है। तो हम तर्क शास्त्र में बोलते हैं कि उदाहरण बड़ा सटीक होना चाहिए, बहुत साधारण होना चाहिए, हर लौकिक व्यक्ति को समझ में आ जानी चाहिए। तो आप समझिए कि वेद का श्लोक आप किसी को समझा रहे हैं और उसे गाय का सानिध्य प्राप्त नहीं है, उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, गौ माता के प्रेजेंस को कभी जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, तो शायद उस श्लोक के अर्थ को समझेगा बट उसे उसका आशय भावार्थ या ज्ञान कभी नहीं होगा। तो आप समझिए वेद के कई श्लोकों का ज्ञान निरर्थक हो जाएगा अगर भारत से गौवंश लुप्त होती है तो। ठीक है, और ये जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हम बोलते हैं, तो ये तो पार्टिकुलर लोकेशन पे अब नहीं मिल रही है, अब पूरा जो सरस्वती का बेल्ट है उसके दाएं बाएं में मिलती है सेटलमेंट्स, प्राचीन सेटलमेंट्स, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम बेटर फॉर्म में सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो ये जो सील है आप फिर से देखिए, सूर्य केतु नाड़ी पीठ उठी हुई, वही फिर से बॉस इंडिकस, मतलब हम कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये गाय ये गौ माता हमारे तब भी साथ थी और आज भी साथ है। अब ये जो क्रॉस ब्रीडिंग है ये एक डिजास्टर हुई फॉर इंडिजिनस ब्रीड, क्यों हुई ये हम आगे के स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ ले कि गोबर से हमारा ध्यान दूध पर चला गया, और गोमय वस्ते लक्ष्मी होता है, दुग्धे वस्ते लक्ष्मी नहीं होता है। ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग एक डिजास्टर थी, हम जरूर इस पे आगे बात करेंगे। अब यहां पर टॉपिक है काउ यूरिन, नाम सुनते ही कंट्रोवर्सी, अनसाइंटिफिक, स्यूडो साइंस, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, मजाक उड़ाया जाता है, मीम्स बनते हैं सोशल मीडिया पे, और लोग अफेंड भी हो रहे हैं, भारतीय लोग ही, उनको लग रहा है कि बुरा लग जा रहा है, गौमूत्र के बारे में पीने की बात हो रही है तो हमें बुरा लग जा रहा है। तो यहां पर मैं आता हूं, ये जो मैंने रेफरेंस दिया है, साइटेशन दिया है, IJRP.net, ये जर्नल पब्लिश करती है आयुर्वेद की। ठीक है, आयुर्वेद बेस्ड रिसर्च की जर्नल पब्लिश करती है, वहां से मैंने कंटेंट को लाया है, और इंग्लिश वर्ड्स मैंने यूज किया है क्योंकि बहुत लोगों को संस्कृत साइंटिफिक नहीं लगता है, इसीलिए इंग्लिश में हम देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स है इसमें। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हम बोलते हैं कि फ्री रेडिकल जो है न्यूट्रलाइज करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, और ये कैंसरस लेवल पे भी हम बात करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स का कंजम्पशन करो। हम तो बचपन से जान रहे हैं, गांव में हम जानते हैं कि हार्ट का पेशेंट के लिए या फिर बहुत सारे मतलब दर्जनों बीमारियों का इलाज काउ यूरिन से होता है, लेकिन मेरा जो दिमाग है आउट ऑफ मतलब कंटेक्स्ट होने लगा या समझ में नहीं आने लगा जब मैंने देखा डैमेज्ड डीएनए रिपेयर करने की क्षमता पोटेंशियल। मैं मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूं कि एक बड़ा डेवलप कर दिया गया है, लेकिन मेडिकल साइंस के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी आ रही है उसको भी ठीक करने की क्षमता काउ यूरिन में है। अब बात करते हैं कैसे, पहले तो इसको एस्टैब्लिश करते हैं कि ये कचरा नहीं है। एक मैकेनिकल थिंकिंग क्या होती है, रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, कुछ कच्चा माल जाता है, कुछ प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बेचते हैं, और बाय प्रोडक्ट वेस्ट है जिसको नदियों में बहाया जाता है, जो इंडस्ट्री में हम करते हैं, कहीं डंप कर दिया जाता है ना। ठीक है, ये लीनियर थिंकिंग हुई। अभी बड़ा सर्कुलर इकोनॉमी की बात होती है, इसलिए भी बात होती है क्योंकि वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट अब आ गया, वो सामाजिक एस्पेक्ट देख के वो नहीं बात कर रहे हैं कि रिसाइकल करो रीयूज करो, लेकिन हम हमेशा से ये बात कर रहे थे क्योंकि हम मानते हैं कि विनाश से सृजन होता है। जब मेरा टाइम ही चक्र है, जीवन को हम चक्र की तरह मानते हैं कि बुरा है फिर अच्छा है फिर बुरा है, ये हम मानते हैं। तो उसी तरह जैसे पेड़ अपने सूखे पत्ते गिराते हैं, झड़ जाता है पेड़ और वो पत्तियां ह्यूमस बनती है और उस पेड़ को ही सृजन करती है।
तो उसी तरह जो काउ यूरिन है, काउ डंग है, ये धरती पर गिरती है और धरती से ही वनस्पति का सृजन करती है। तो आप देखिए कि एक जीवन को बढ़ने में ये मदद कर रही है, ये एक मेडिसिन नहीं है, ये जीवन को सपोर्ट कर रही है सॉइल में। और क्यों? क्योंकि इसमें बायो एब्जॉर्बिटी है, मतलब मिट्टी में सारे मिनरल्स है, बहुत सारे केमिकल्स है ऑलरेडी। हम तो झारखंड से आते हैं, यहाँ पे तो मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मिनरल्स ना वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वो मिनरल्स ना पौधे पहचानते नहीं है, खींच नहीं पाते। ये काउ डंग, ये काउ यूरिन उसी अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को बायो एब्जॉर्बेबल बनाता है। सी, ये मदद कर रहा है प्रकृति को, प्रकृति से जोड़ रहा है, और ये बीमारी क्यों ठीक कर सकता है। कैंगन वाटर बड़ा अभी फेमस हो रहा है, प्यूरिफायर्स आते हैं 3 लाख 4 लाख कॉस्टिंग होती है प्यूरिफायर के, और ये बात करती है कि वाटर का पीएच ये चेंज कर सकता है, एसिडिक बना सकता है, वाया आयोनाइजेशन प्रोसेस न्यूट्रल रख सकता है, एल्कलाइन रख सकता है, और लोग इससे बोल रहे हैं कि हमारा हेल्थ में सुधार आ रहा है। आप सोचिए, सिर्फ पानी पीने से, उसकी पीएच वैल्यू चेंज करने से लोगों का हेल्थ सुधर जा रहा है। काउ यूरिन को अगर हम माने कि ये कुछ भी नहीं है, तो भी ये अल्कलाइन पीएच वाला है। आप चेक कर लीजिए, इसका जो पीएच है वो अल्कलाइन है, दैट मीन्स ये बॉडी की मेटाबॉलिज्म को चेंज करने की क्षमता रखती है। और आयुर्वेद मानता है कि शरीर में ही क्षमता है बीमारियों को ठीक करने की, बस उस शरीर को जगाना होता है उस स्टेट से जो सो गया है, ठीक है। और ये पेटेंट नंबर मैं डाल रहा हूं ताकि ये भी हो जाए कि साइंटिफिक कम्युनिटी भी लग रही है, सिर्फ हम जैसे लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले ले, चेक कर ले। और एक और चीज, भारत में अगर काउ यूरिन पर कोई रिसर्च करना चाहता है ना, तो कुछ लोग आते हैं लेटर लिखते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी से ही आते हैं, लेटर लिखते हैं कि रिसर्च करने मत दो, फंडिंग मत दो। तो साइंटिफिक प्रोसेस क्या है? अगर मेरी हाइपोथेसिस फॉल्स है, मैं गलत हूं, तो मुझे रिसर्च करने दो ना, डेटा से मैं गलत हो जाता हूं और साइंस खुश होता है ना, कोई भी लॉ गलत होता है तो उसमें सुधार आता है, हम नई चीजें सीखते हैं। ये रिसर्च ही नहीं करने देते और फिर बोलेंगे कि डेटा दिखाओ, जर्नल दिखाओ, रिसर्च पेपर दिखाओ, इसका कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। तो ये जो है एक लॉबी फिर काम करती है कि रिसर्च वर्क को ही हैंडल कर दिया जाए। तो पिछले साल जब इम्यूनिटी वर्ड बड़ा प्रचलित हुआ था, तो हमारे एक मित्र हैं अमित जैन जी, तो उन्होंने बोला कि एक कोर्स है ऑनलाइन आ रहा है, NIA जयपुर करा रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर करा रही है, करते हैं इस कोर्स को। मैंने उस कोर्स को अप्लाई कर दिया, ठीक है, और बाद में मुझे पता चला वो पेड था, ठीक है। बाद में मुझे पता चला कि ये बस मेडिकल प्रोफेशन के लोगों के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है जो एलोपैथी या आयुर्वेद दोनों बैकग्राउंड से नहीं आते, ठीक है। तो मैंने मेल किया कि सर मैं प्राकृतिक भोजन, नेचुरली ग्रोन फूड, ऑर्गेनिक फूड उगाता हूँ, ठीक है, गोबर गौमूत्र का इस्तेमाल करता हूँ, शुद्ध भोजन उगाता हूँ जिसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है। तो जब हम बोलते हैं कि हमारा अन्न अन्नपूर्णा है, प्रसाद है, तो आयुर्वेद से तो मानते हैं ना, सीधा संबंध है आपके लाइफस्टाइल से, आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, फूड हैबिट। तो मैं कैसे आयुर्वेद से अलग हो गया? तो उन्होंने मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया और वहां पर मैंने कोर्स किया फाइनली आयुर्वेद पर, एक छोटा सा ही कोर्स था। तो वहां पर एक शब्द बार बार आ रहा था, स्निग्ध भोजन, मतलब ऐसा भोजन जिसमें थोड़ी से मात्रा में घी का प्रयोग करो, घी का, ठीक है। अब मुझे लगा कि अरे ये इतने सालों से घी के पीछे पड़े थे कि इसमें ये है, ये हेल्थ इश्यू क्रिएट होगा, ये फैट कंटेंट है, ये हेल्दी नहीं है, इनको रिफाइन प्रमोट करना था। अब ये जो वर्ड है ना रिफाइन ऑयल, ये इंडस्ट्री के लिए रिफाइन है, उनको मदद करती है, उनका सेल्फ लाइफ बढ़ाती है, उसका जो खराब स्मेल है ऑयल का वो खत्म करती है। ये हमारे लिए रिफाइन कब से हुआ पता नहीं, और हमने इस चक्कर में, क्योंकि हमारा माइंड अभी भी कॉलोनाइज है, जो भी बातें वेस्ट से आती है डेटा सपोर्टेड आती है ना, इसलिए भी हमें लगता है कि अच्छी बातें होंगी, साइंटिफिक होंगी, हमारा संस्कृत अनसाइंटिफिक है। तो स्निग्ध भोजन है, अपने भोजन के मात्रा में थोड़ा सा घी का प्रयोग करना। फिर अभी एक और मेडिकल साइंस आ रही है, फंक्शनल मेडिसिन, ये लाइफस्टाइल फूड बेस्ड जो है एक साइंस है, बड़ा महंगा कोर्स है, ठीक है। उसमें ये बटर मिल्क को पढ़ाते हैं, छाछ मट्ठे को पढ़ाते हैं, दिस इज प्रोबायोटिक। एंटीबायोटिक का जमाना गया, सही मैकेनिकल थॉट, ये मेरा एनिमी है, मार दो, मारने के चक्कर में 10 साइड इफेक्ट क्रिएट हो जाए उससे मतलब नहीं है। दिस इज व्हाट एक आर्मी का जो माइंड है, एक आर्मी ट्रेंड पर्सन जो है वो ऐसे सोचेगा। प्रोबायोटिक क्या होता है, जो हम बोलते हैं कि हेल्दी, जो जो प्रोबायोटिक मतलब जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स है सॉइल में, गट बैक्टीरिया है, वो
बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए, और वो बटर मिल्क मट्ठे में वो गुण है। अब देखिए, ये फंक्शनल मेडिसिन नाम से आती है, फिर आप हर्बल सुनेंगे, नेचुरोपैथी सुनेंगे, काओपैथी सुनेंगे, कोई भी आयुर्वेद शब्द का रेफरेंस नहीं लेता है। पता नहीं क्यों, शायद उसमें वेद लगा हुआ है, और आप समझ ही रहे हैं कि वेद लग गया तो वो थोड़ा सा दरकिनार करने चले जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आयुर्वेद का ही वो सहारा लेते हैं, रेफरेंस बहुत हद तक लेते हैं। और कुछ दिन पहले जो बड़ा फाइट जो चल रहा था एलोपैथी एंड आयुर्वेद, लोग लग गए कि नहीं ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है, वो अलग सेट ऑफ डिस्कशन है, उस पर नहीं मैं बात करूंगा। लेकिन आप ये जान लो कि पावर ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्या होती है। अगर कोई टेक्नोलॉजी आपके यहाँ की नहीं है तो उसके पीछे का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, रिसर्च, जर्नल, पेटेंट्स आपके पास नहीं होंगे। तो इकोनॉमी जो हम स्कूल में पढ़ाया जाता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल से इकोनॉमी चलती है, नहीं, इकोनॉमी रिसर्च और यूनिवर्सिटीज और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से चलती है, और ये बैठ बैठ के आराम से आप रॉयल्टी कमाते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम साइंस में इतने पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इस पर फोकस नहीं रहता है। तो अगर आयुर्वेद बढ़ती है, आप देखिए ध्यान से देखिए, आयुर्वेद अगर पावरफुल होती है तो उसके जो हर्ब्स हैं वो एक ग्रामीण, एक विलेज पीपल, एक रूरल पीपल भी उगा सकता है। एक एलोपैथिक मेडिसिन, क्योंकि एक इकोनॉमी ऑफ स्केल पे फैक्ट्री में बनती है, तो वो रूरल इंडिया को एम्प्लॉय करने की क्षमता नहीं रखता है। तो आयुर्वेद बढ़ती है तो गांव तक रोजगार जाता है, आयुर्वेद बढ़ती है तो यहाँ के लोग जो हैं बहुत एम्प्लॉयबल बनते हैं। जैसे योगा के अगर आप टीचर देखेंगे, योग के जो टीचर आप देखेंगे पूरे विश्व में, कंबोडिया, वियतनाम या कहीं भी विश्व के कई भी भाग हैं, तो इंडिया से आएगा ना तो उसको लगेगा कि ये बड़ा एक्सपर्ट होगा, भले उसको योग नहीं आता हो अच्छे से, क्योंकि ओरिजिन ऑफ योग भारत है, तो योग भारत से एक्सपोर्ट हुआ है ना, तो यहाँ के लोग जाएंगे ना तो उसको लोग सोचेंगे कि ये बड़ा एक्सपर्ट होगा, नहीं आता है फिर भी। उसी तरह आयुर्वेद की प्रॉपर ब्रांडिंग अगर होती है, रिसर्च होता है, तो कई रोजगार जो है क्रिएट करने की क्षमता ये रखते हैं। और ये कोई ना छोटी मोटी आर्टिकल या थोड़ा सा 5 पेज का डॉक्यूमेंट पे नहीं बात हो रही है, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, 4000 पेज से बड़ी पांडुलिपि है, दोनों को अगर मिला दे, और हमारे ऋषि मुनि हमें पता है कि कितने ज्यादा साइंटिफिक है। ये जो दूरी बना लेते हैं ना कि एक भगवाधारी अनसाइंटिफिक होगा, हमारे ऋषि मुनि भगवा ही वस्त्र पहन रहे थे, तो हम वस्त्र के नाम पर उनको कैसे नेग्लेक्ट कर दे। और देखिए कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, वो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आते हैं, और मैं जैसे साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आप समझ लो कि मेरा जो रैंकिंग है गेट में वो नेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा था, मैं एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से ही आता हूँ, तो एटलीस्ट मैंने देखा कि इतनी जो बुराई हो रही है आयुर्वेद से लेके, गाय से लेके, गौमूत्र से लेके, तो समस्या क्या पहले देख लेना। और जो मेरा इंटरेस्ट है, जैसे कि कृषि में मैंने वृक्ष आयुर्वेद पर बात की, तो मैं लग गया कि भारत में क्या प्राचीन व्यवस्था थी, तो मुझे ग्रंथ मिलने थोड़े मुश्किल हो गए। मतलब जैसे मुझे वृक्ष आयुर्वेद में पराशर मुनि का, आप समझ लो काश्यप ऋषि का, या फिर विश्ववल्लभ जी का, विश्ववल्लभ ग्रंथ जो चक्रप्राणी मिश्र जी का है, बड़े ग्रंथ मुझे मिले, तो वृक्ष आयुर्वेद पर बात की, गौ आधारित ग्रंथ मुझे नहीं मिले। फिर मुझे लगा कि भारत इतना विशाल देश है, इसके जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन से इतने ज्यादा है कि वन फिट्स फॉर ऑल नहीं भी होगी, है ना। जो गिर गाय या गुजरात में जो टेक केयर करने की जो प्रोसेस है, वो उड़ीसा, झारखंड में एकदम अलग रहेगी, ठीक है। तो एक ग्रंथ नहीं हो सकता। शालिहोत्र ग्रंथ एक बार नाम सुना, फिर मैंने देखा कि उसमें घोड़े और हाथियों की बात हो रही है, गाय के बारे में नहीं बात हो रही है। फिर पांडवों में जो नकुल है, वो बहुत शानदार पशु चिकित्सक थे, वहां पर भी मुझे थोड़ी सी निराशा हुई। फिर मुझे सजेशन मिला कि गौ वैद्य पर देख, गौ वैद्य से पूछिए, आपके क्षेत्र के कोई ना कोई गौ वैद्य होंगे, और हर ग्राम में, हर गांव में भारत में एक गौ वैद्य जरूर होते थे, नहीं तो एक पंचायत में जरूर होते थे। तो मेरा जो वर्क है, मुझे लगा कि मैं डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो सीधे सीधे तौर पर मैं कहां जाऊं, ब्रीड फीड मैनेजमेंट, इसके लिए मैं कहां रेफर करूं। तो भारत के पर्व को मैंने देखा, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, जो एग्जैक्टली गौ आधारित है। और भी पर्व हैं जिसमें गाय का रिक्वायरमेंट है, 16 संस्कार में भी गौ माता का चाहिए प्रेजेंस, लेकिन ये जो पर्व है पोंगल, सोहराय, गाय तिहार, बिहू, गोपाष्टमी, ये स्पेसिफिकली गौ आधारित है, ठीक है। और सोहराय को जब मैंने देखा, ये जो पेंटिंग है, ये झारखंड की जो लेफ्ट साइड में सोहराय पेंटिंग है, दिवाली के समय मनाई जाती है, और ये देखिए जो है इसे अनाज दिया जा रहा है, सप्त धान्य दिया जा रहा है, अलग अलग मिक्सचर ऑफ
पल्सेस एंड सीरियस दिया जा रहा है। तो परंपरा को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि कला है ये, तो परंपरा आर्ट एंड क्राफ्ट है। और जैसे हम बोलते थे कि मूर्ति पाखंड, मूर्ति पूजा पाखंड है, मंदिर पाखंड है, तो आप मंदिरों को देखिए, अगर आप नास्तिक है फिर भी उसकी जो कला है, कलाकृति है, ज्योमेट्री है, उसको देखकर आप जरूर अचंभित होते हैं। तो मुझे लगा कि ये जो वेद के जो ज्ञान है, ये तो सबको, साधारण एक लौकिक व्यक्ति को जरूरी नहीं कि समझ में आए, उसे भक्ति भावना समझ में आ सकती है और उसे कला जरूर समझ में आ सकती है, संगीत, भजन। तो जो परंपरा है ना, ये अपने साथ कला को समेटे हुए और बहुत सारे सीक्रेट्स को समेटे हुए है। और मैंने जो सारे पर्वों को और लोकल नेटिव जो हमारे गौपालक थे और भारत में भी कई जगह, तो पूरा कलेक्शन मैं आपके सामने यहाँ पर लाया हूँ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लगभग 30+ आप देखिए इंग्रेडिएंट्स है, चोकर, जौ, बीन्स, दलिया का एक पूरा ग्रुप है, खली का पूरा ग्रुप है, भोजन के रूप में एक एक घास आप देखिए है, और जो हेल्थ को लेके है, कपूर, सतावर, जीवंती, अश्वगंधा, पलाश के फूल, बड़ा शानदार, ये इन्फेक्शन को गजब ये ठीक करता है, हल्दी, अजवाइन, सौंठ, इंद्रजौ, तुलसी, पुदीना, अदरक, लहसुन, नीम, गिलोय, मुलेठी, त्रिफला और नमक में सेंधा नमक। और आज के टाइम में जो मॉडर्न जो हम बोल रहे हैं ग्रीन फॉडर बेस्ड फार्मिंग है ना, अभी सब आ गए हरा चारा पे, है ना, पहले मिनरल मिक्सचर था, ये था, वो था, ये मिक्सचर था, ये हार्मोन था, अभी आ गए ना नेपियर, बरसीम, सहजन, हाथी घास, झिंझुआ घास, ये जो है कमर्शियल लेवल पे जो भी फार्म कर रहे हैं वो इस पर जरूर फोकस करते हैं। तो फिर हमारे साथ क्या हुआ, डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट थी। वेस्ट ने हमें बोला जर्सी, होलिस्टियन, फ्रीजियन लाओ, ये लाओ, ये दो इसको, ये भोजन दो, ये मेडिसिन दो, ये टैबलेट दो, ये हार्मोन दो। हुआ क्या, एंड में दूध बढ़ा, जरूर बढ़ा, लेकिन बच्चा देने की जो क्षमता है, गाभिन होने की जो क्षमता है, गाय की खत्म हुई। गाय से जो उत्पन्न बैल है, जो मेल काफ है, वो कृषि करने की क्षमता उसमें नहीं रहती है। बहुत लोग ये नोटिस नहीं किए, वो कृषि के लायक नहीं रहता है। तो हमारी जो कृषि है ना, वो हमारी जो गौ पालन जो हम बोलते हैं, वो कृषि से संबंधित रही है। हम दूध आधारित हम इकोनॉमी नहीं रहे, और ऐसे भी 40 करोड़ जनसंख्या आजादी के पहले, और 20 करोड़ गाय, हर व्यक्ति पे दो गाय, मतलब गुलामी की स्थिति में भी हमारी स्थिति बहुत बुरी थी। आप सोचिए उस समय गायों की इतनी संख्या है, दूध की नदियां जिस देश में बोल रहे हैं बह रही है, वहां अर्थव्यवस्था दूध आधारित नहीं होती थी, ठीक है। फिर मैंने जो है, चलिए ये जो 30+ इंग्रेडिएंट्स इस पर तो बात कर ली, लेकिन असली में ग्राम में होता कैसा था, जो परंपरा है वो गोचर भूमि की परंपरा थी। एक चारागाह होता था, एक कलेक्टिव लैंड, फार्म लैंड, 50 एकड़, 100 एकड़, और ये नेशनल पॉलिसी का पार्ट भी नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो सोशलिस्टिक पॉलिसी थी, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि हमारे इंडस्ट्री हमारे नए मंदिर है, तो अर्बन बेस्ड पॉलिसी आई, रूरल को नेग्लेक्ट कर दिया, जबकि उनके गुरु जो है स्वराज्य के बारे में बोल रहे, जो महात्मा गांधी, वो बोल रहे हैं कि ग्राम स्वराज्य होना चाहिए। सब सुना उन्होंने, लेकिन एट द एंड जब पावर हाथ में आई तो उन्होंने गांव को भुला दिया। तो गोचर भूमि तो पॉलिसी का हिस्सा नहीं रही, और इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी आप देखिए कि ऐसे वृक्षों को लगाया गया कि उसका मल्चिंग हो जाए, उसके पत्ते इतने गिरे धरती पर कि कोई हर्ब, कोई घास उग ही नहीं पाए। ये एलन सेवरी की तरह ये थिंकिंग हो गई। एलन सेवरी जो मानता था कि शाकाहारी जीव जंगल को खत्म करते हैं और लोग जो है वनस्पति को नष्ट करते हैं, तो ऐसे बस पेड़ लगाओ जो वनस्पति ही ना मिले। जैसे लिप्टस को हम देखते हैं, पाइन ट्री को देखते हैं, बड़ा हम सेल्फी लेते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है, नैनीताल में, हमारे यहाँ नेत्रहाट में भी इसका एक बड़ा सा मतलब यार्ड, पूरा आप समझ लो पूरा फार्म लैंड है पाइन्स का, सुंदर बहुत दिखता है, लेकिन धरती पर आप देखेंगे ना फिसलन होगी, एक वनस्पति नहीं। तो ये गोचर भूमि के बाद गाय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जाती है और जंगलों से होके आती है। हमसे बेहतर गौ माता को मालूम है कि उससे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बोला ना कि गाय हमें पालती थी, हम जब गाय को पालने लगे तो हम डिसाइड करने लगे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और उसमें क्राइसिस क्रिएट हुआ। और ऐसी पॉलिसी अभी सोच बन रही है कि हम ब्राजील से गिर को लाएंगे, समझ रहे हैं। फिर समस्या वही है कि हम यहाँ के ब्रीड पर नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ के ब्रीड को डेवलप करो, क्योंकि फिर क्लाइमेट का असर पड़ेगा। वो 50-60 साल में वो ब्राजील का क्लाइमेट ले चुकी है, वही गिर फिर यहाँ आएगी, फिर उसके साथ समस्या होगी। झारखंड में कई गौपालक हैं जो इवन गुजरात, राजस्थान से लाए हैं गायों को, और बड़ी समस्या होती है उन्हें, ये ब्रांडिंग की समस्या है।
आप लाए, बछड़ों को लाए, आपके वातावरण में जो पलती है वो गाय अगर डेवलप नहीं होगी तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, ठीक है। और फिर मेरा जो इंटरेस्ट रहता है अर्थशास्त्र के दूसरे अधिकरण, मतलब दूसरे चैप्टर के 20वें प्रकरण का पहला श्लोक, उसका अर्थ यह है, जो भूमि जोती नहीं गई है उस पर चारागाह बनाई जाए, जो भी जमीन खाली दिख रही है चाणक्य नीति यह बोल रही है तुरंत उसको फॉडर फार्मिंग में कन्वर्ट करो, और होना भी चाहिए ना, तभी गरीब से गरीब व्यक्ति भी गौ पालक बन सकता था, है ना। हम मानते हैं अभी 60-70% फीडिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। अगर हम अहिंसा दूध को कंसिडर करें, मतलब बछड़े को पूर्ण रूप से 3 महीने से 6 महीने तक दूध पीने दिया जा रहा है, और बूढ़ी गाय तो 6 साल 7 साल लगभग आपके गौशाला में दूध नहीं देगी, उस पर भी तो खर्चा आ रहा है ना। अगर मैं कसाई के पास, स्लॉटर हाउस के पास नहीं देना चाह रहा हूं, तो मैं सही में सद्भावना रखता हूं, धार्मिक बनना चाह रहा हूं, तो वो भी कॉस्टिंग तो आएगी ना, बिना दूध के कॉस्टिंग आएगी। कृषि हो रही है तब तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, गोबर गौमूत्र मिल रहा है, लेकिन अर्बन अगर एक फार्म है, एकदम अर्बन सेंटर है जिस पर खरीद खरीद के दिया जा रहा है, इवन ग्रीन फॉडर 5 रुपए, बहुत नॉमिनल प्राइस मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो एक गाय अगर 1500 लीटर साल में दूध दे रही है तो 100 रुपए इज दी फीडिंग कॉस्ट। अगर वह दूध अहिंसा दूध है, वीगन वाले भी आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, और अर्बन में है और मेट्रो में होगा, तो वो लेबर कॉस्ट क्या है, लॉजिस्टिकल कॉस्ट क्या है, फार्म मैनेजमेंट कॉस्ट क्या है डेयरी, वो कॉस्टिंग मैं नहीं जोड़ रहा, ओनली दी फीडिंग कॉस्ट। और ग्राम में यह कॉस्ट 70-60 रुपए से नीचे गिर जाती है, क्योंकि घास चरती है, ठीक है। तो एक शहरी व्यक्ति, एक मेट्रो में कोई व्यक्ति अगर वो देख भी रहा है कि 130-140 रुपए के नीचे दूध मिल रही है, मतलब या तो बछड़े को वो सता रहा है, बाछी को सता रहा है, या बूढ़ी गाय को सता रहा है, ठीक है। तो हम सिर्फ चैरिटी लेवल पे जैसे हम बात करते हैं उससे काम नहीं चलेगा, इन्वेस्ट ऑन सोशल बिजनेसेस कैसे होगा वो देखते हैं। बाय नेचुरली ग्रोन फूड प्रोडक्ट, जो नेचुरल फार्म से ग्रो हुए प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक फूड है, एटलीस्ट आप उसको खाते हैं। कई भी फार्मर हैं, जेड बीनेफ या फिर सुभाष पालेकर जी की जो कृषि पद्धति अपना रहे, एक एक मैं बहुत बेसिक लेवल पे बात करूं कि ये फेमस ज्यादा है, इससे कई बेटर मेथड्स भी हैं, लेकिन गौ गोबर का इस्तेमाल हो रहा है, तो गोबर का इस्तेमाल होगा तो गोमय वस्ते लक्ष्मी, रिप्लेस अगरबत्ती जो है ना उसको गोबर से बने हुए धूप से बदल दोगे ना तो भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ये जो काउ यूरिन बेस्ड प्रोडक्ट है शैम्पू, हमारे गांव में तो गजब ये शैम्पू है, फेमस है, मतलब मैं डिमांड नहीं पूरा कर पाता हूँ शैम्पू का, ठीक है, बहुत शानदार रिजल्ट है हेयर फॉल के अगेंस्ट में, और वो भी नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपको एक चॉइस दे रहा हूँ कि आप देखिए कि ऐसे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, अभी तो वैदिक पेंट लेवल पे प्रोडक्ट अवेलेबल है। स्पेंड टाइम विथ गौ माता, एटलीस्ट समय अगर आप बिताएंगे ना तभी आपको समस्या का आभास होगा। यूएस में कम से कम 22,000 रुपए लिए जा रहे हैं, $200 $300 जो है वो लिए जा रहे हैं काउ कडलिंग प्रोग्राम, अपना डिप्रेशन खत्म कीजिए, अपनी परेशानी खत्म कीजिए गाय के साथ समय बिताकर। अब देखिए इसको भी ये कॉमर्शियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। भारत में ग्रामीण व्यवस्था जहां पर गौ की संख्या अधिक है वहां ये जो व्यवहारिकता है, जो सोच में वो बहुत फर्क आता है, सात्विकता है उसमें बहुत फर्क आता है। गो फॉर अल्टरनेटिव थेरेपी, जैसे हम आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, काउपैथी, किसी पे भी आप जाएंगे आप गौ माता को सपोर्ट एक्चुअल में कर रहे हैं। और जो मॉडल जो हमने बात की ना, कि शुरुआत में हमने बात की थी कि क्रॉस ब्रीडिंग का जो समस्या था वो कैसे क्रिएट होता है, मिल्क एंड मीट मॉडल है बेसिकली। जिस गाय को हम जानते हैं ना, जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजन, ये जो है ये दूध और मांस वाली गाय, तो मैं नहीं बोलूंगा ये बॉस टॉरस है, वो गाय भी नहीं है क्योंकि गाय का दूध सफेद नहीं होता है, ठीक है। ये वहां से इंपोर्ट होती है, जहां पर हॉर्स बेस्ड फार्मिंग होती थी बहुत पहले, घोड़े से खेती होती थी, गाय का उतना सीधा सीधा खेत पर रोल नहीं था। तो भारत आती है तो हम इस बात को भूल गए कि खेती में भी प्रयोग था, और वो गाय क्योंकि खेती में उसका कभी इस्तेमाल नहीं था, तो और मांस के बेस्ड पे वो मॉडल है, मतलब ऐसा बिजनेस मॉडल मैं ला रहा हूँ, ऐसा वैल्यू चेन में ला रहा हूँ जिसमें दूध बेचना है और मांस नहीं बेचना है, या तो मानवीय आधार लगा ले आप या धार्मिक आधार, हम नहीं बेच रहे मांस। तो आधी पोटेंशियल वाली बिजनेस मॉडल को आप ला रहे हैं, बीमार पड़ रही है गाय क्योंकि यहाँ के वातावरण की नहीं है, बच्चा देने की क्षमता नहीं है, तो कितना बड़ा क्राइसिस है, मतलब रेवेन्यू जरूर बढ़ाती है वो गाय, प्रॉफिट नहीं बढ़ा पाती है। तो बड़े स्टार्टअप्स के लिए आप लॉस मेकिंग और रेवेन्यू बेस्ड सिस्टम पे बात कर सकते हैं, छोटे बिजनेस के लिए प्रॉफिट ही
फॉर्मूला था और आज भी है, प्रॉफिट पे काम करना है, रेवेन्यू पे नहीं। हमारी जो मॉडल है गोमय वस्ते लक्ष्मी, वो पंचगव्य बेस्ड मॉडल है, आयुर्वेद बेस्ड मॉडल है, नहीं भी तो कम से कम वो स्निग्ध भोजन घी बेस्ड मॉडल है। और वृक्ष आयुर्वेद, ये जो पूरा इसका जो ज्ञान विज्ञान है, ये ग्रंथ भी अवेलेबल है ऑनलाइन, और इसके बेस्ड पर मैंने एक बड़ा सिंपल पुस्तक भी लिखी है, और उसमें जो है कुणप जल पे बात होती है, एक शमिश गुलाब जल का ऑप्शन मैंने दिया है। बहुत लोग पशु पक्षी से दूर रहते हैं, मतलब अवशेष से दूर रहते हैं, तो खर पतवार को वो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये केस आ रहा था कि हम मांस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तो ग्रंथ में हमारा लिखा है क्योंकि हमारे आसपास पशुओं की मृत्यु भी हो जाती थी, तो वो भी अपना योगदान देकर जाती थी खेतों में समाधि खाद के रूप में। ठीक है, और ये समझ लो आप जीवामृत से एडवांस मॉडल है। जीवामृत में आप ये काट दो, मतलब कुणप जल में कि खरपतवार को काट दिया, तिल की खली को काट दिया, घी को काट दिया, तो ये जीवामृत बन जाती है। और डरना नहीं है कि घी का प्रयोग है, क्योंकि बड़ा मिलीग्राम ग्राम में प्रयोग होता है। ठीक है, और ये जो मेरी पुस्तक थी, इसमें जो मैंने जो एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे गांव का आधार था वो तालाब, गोचर भूमि, गाय, और ये जो किसान रखा है ना छोटा सा हल, मतलब मिट्टी को ज्यादा नहीं जुताई करनी, बड़ा कम डेप्थ तक जुताई करनी, और हो सके तो बिना जुताई की खेती करनी है, वो ज्यादा बेहतर है। और बरगद की छांव जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति किसानी छोड़ चुका है, जिसकी भूमि छूट चुकी है, वो वापस से कैसे रिचार्ज कर सकता है अपने सॉइल को, जीवाणु को कैसे ला सकता है, बरगद पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी लाए और पूरे फार्म में जीवामृत या किसी के साथ वो छिड़क दे, मिट्टी में जीवन आ जाएगा। और मिट्टी के नीचे अगर जीवन है तो मिट्टी के ऊपर जीवन अपने आप आ जाती है। तो अगर कलेक्टिवली हम बात करना चाहे कि हमने क्या क्या बात की, तो फूड सिक्योरिटी, देखिए भोजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस पेट भर रहे। एक ऐसा पॉपुलेशन, ऐसी जनसंख्या जो शारीरिक रूप से कमजोर है, और क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी है शरीर में तो मानसिक रूप से कमजोर है, ऐसी ग्रामीण पॉपुलेशन, ऐसी शहरी पॉपुलेशन भी, यहाँ भी अब वो इश्यू आ रहा है माल न्यूट्रिशन का, वो फूड सिक्योरिटी कोई काम की नहीं है। हमें न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी चाहिए। काउ बेस्ड प्रोडक्ट, अलग अलग रेंज है, धूप से लेके जो हमने बात की, माल न्यूट्रिशन, पेस्टिसाइड फ्री फूड, जो ऑर्गन फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है वो भी गौ आधारित कृषि से खत्म होती है। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, समय आप बिता के देखिए तब पता चलेगा। हम लॉजिक और कोई रिसर्च पेपर मैं नहीं दे रहा हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण आप लगाइए, अनुभव के आधार पर बात कीजिए सीधे सीधे तौर पर। बायोगैस, अवॉइड सॉइल इरोजन, क्योंकि गाय आ रही है, मिट्टी का गुणधर्म बदल रहा है, घास आ जा रही है, जिस मिट्टी में घास नहीं है ना वो मिट्टी का कटाव हो जाता है। लेसर पॉल्यूशन, फर्टिलाइजर्स का आप यूज नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन कम होता है, कार्बन साइकिल सुधरता है। हवा में अगर कार्बन है तो उसको पॉल्यूशन बोलते हैं, मिट्टी में अगर कार्बन है तो सॉल्यूशन बोलते हैं। हमारे मित्र हैं विनय जी, हमेशा इस स्टेटमेंट को देते हैं। लेसर ऑयल कंजम्पशन, क्योंकि आपके फर्टिलाइजर्स ऑयल बेस्ड हैं, वो क्रूड ऑयल बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं, उसकी भी खपत कम होती है। तो आप समझ लीजिए गौ आधारित कृषि होगी तो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में कितना चेंज आ जाएगा, जो हम मिडिल ईस्ट पे इतना डिपेंडेंट है। सस्टेनेबल हाउसिंग, हाउस भी पंचगव्य का भी हाउसिंग में यूज होता है। ठीक है, आप प्रतीक भिड़े जी को अगर जानते हैं महाराष्ट्र में, वो हाउसिंग भी जानते हैं जो, या कान सिंह निर्वाण जी को अगर आपने नाम सुना है, तो हाउसिंग भी गौ आधारित आप करते हैं। आत्मनिर्भरता, हमने जो एग्जांपल दिया, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल की स्पॉन्ज बनता है, सॉइल में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है, सिर्फ गड्ढा बनाने से या तालाब गड्ढा खुदने से नहीं बनता है। बहुत लोगों को तालाब बनाने की प्रक्रिया लोग भूल चुके हैं कि प्राचीन समय में तालाब बनता कैसे था। ठीक है, माइक्रोब्स इन सॉइल, रेन, स्यूडोमोनास सेरेंगे को नहीं भूलना है, और सात्विक नेचर। और अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो यूएन का ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये 7 पॉइंट को टारगेट करता है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर तो नहीं बोलेंगे, वो तो समुद्र हो गया, क्लाइमेट एक्शन, पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। फिर भी ये पता नहीं ये क्यों नहीं ये गौ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फिर आता है वीगन, फिर बोलेंगे कि मीथेन से पॉल्यूशन हो रहा है और ये एनिमल राइट्स को लाएंगे। क्यों लाते हैं इसको, छोटे से तौर पर बात करें, क्योंकि इसके लिए तो पूरा एक सेशन लग जाएगा। छोटे से तौर पर क्या बात करें, हमने बात की ना कि केमिकल फर्टिलाइजर ऑयल बेस्ड होते हैं, ऑयल इंडस्ट्री बूम हो गई जब केमिकल आ गया, फूड आपका ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, सही बात है, लेकिन क्योंकि एक ही जमीन से ज्यादा अगर बड़ा आप उगाते हैं तो न्यूट्रिएंट एफिशिएंट होगा, वही न्यूट्रिएंट जो है ज्यादा में बढ़ जाता है, जो गाय ज्यादा दूध देती है उसका जो न्यूट्रिएंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा,
जो गाय कम दूध देगी उसमें न्यूट्रिएंट डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि आप में डिफिशियंसी आएगी क्या पेस्टिसाइड वाला फूड है तो आप बीमार पड़ेंगे, तो फार्मा जाएगा, बूम होगा उसका, आप दवाइयां ज्यादा खरीदेंगे। तो ऑयल और फार्मा साथ में मिलकर फूड क्राइसिस होता है और जीडीपी लगता है बढ़ रही है पूरे दुनिया के। और हम सीधे सीधे तौर पर तो बात करते हैं कि दुनिया की जो पॉलिसी है वो डिफेंस, फार्मा और ऑयल, ये बहुत हद तक डिसाइड करते हैं ये इंडस्ट्री। भारत में अगर हम देखते हैं, अगर गौ आधारित कृषि पे आते हैं तो नेचुरली ग्रोन फूड आता है, भोजन ऊपर आ जाता है, प्रसाद बन जाता है, तो आयुर्वेद को भी सपोर्ट मिलता है। लोगों को लगता है कि हम आयुर्वेद और एलोपैथी पे बात कर रहे हैं, आयुर्वेद लाइफस्टाइल साइंस है, ये जीवन को बदलने की प्रक्रिया है, ये एक बीमारी को ठीक नहीं करती है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए ये कमजोर दिख रहा है क्योंकि आप पैरामीटर जो है क्राइसिस पे किए पहला। और भोजन अगर कमजोर है और आपके जीवन की दिनचर्या बड़ी खराब है, लाइफस्टाइल जो है बड़ा गड़बड़ था, कभी खाने पे ध्यान नहीं दिया, और फिर आप सोच रहे हैं कि आयुर्वेद मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है, तो गाय देखिए पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री के सामने खड़ी है। तो ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन को अगर लॉजिकली डिडक्ट हम करें तो गाय ऑयल के सामने खड़ी है, तेल मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सामने गाय खड़ी है, और अगर हम गाय को नहीं बचाते हैं, गौ माता को नहीं बचाते हैं, तो हम इंडस्ट्रियल कॉलोनाइजेशन में फिर से आ सकते हैं, ना हमारी अपनी मेडिकल साइंस होगी, ना हमारा अपना भोजन होगा, और हमारी जनसंख्या कमजोर हो जाएगी मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे। हम बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा क्यों नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण माखन चोर थे और उनको ना बड़ा सटीक से पता था कि कौन सा सही माखन है। एक तो गाय नहीं है वो, आपकी देसी गाय है नहीं, तो वो माखन जब तक वो चखेंगे नहीं तो आपके घर वो नहीं आएंगे, ठीक है, तो देसी गाय आएगी वो देसी माखन बनेगा, तो श्री कृष्ण भी आपके घर पधारेंगे। धन्यवाद। आपने गाय के बारे में इतना पूरा कुछ बताया, हमें इतनी शिक्षा प्राप्त हुई है आपसे, और उम्मीद है कि श्रोताओं को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, खासकर किसान लोगों को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव में जो गाय होते हैं, अब हम शहर में पले बड़े, हमें कुछ गाय के बारे में नॉलेज नहीं होता, शहर का गाय कुछ अलग होता है, गांव का गाय कुछ अलग होता है, उनके खान पान, जैसे कि आपने बताया कि उनके खाना पान पीने के लिए हमें सब कुछ तैयारी रखना चाहिए, कैसे खिलाना, एक बच्चे की तरह जैसे बच्चे की देखभाल करती है माँ, उसी तरह हमें गाय की भी देखभाल करना है, हम उसको गलत खाना ना दे, और इस तरह से हम प्रकृति से जुड़े रहे, प्रकृति का ही खाना प्राप्त करें और वैसे खाते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी की, इतना अच्छा आपने सेशन दिया और हमें इतना कुछ सीखने को मिला। हेलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा हमें सीखने को मिला। सर मेरे एक्चुअली दो प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि आपने बोला कि जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, तो मैं एक्चुअली ये समझना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास में देसी गाय है लेकिन अब उसे जब क्रॉस जब करवाना है तो अगर उसे गिर गाय से या किसी और बुल से करवाएं, किसी और गाय के मतलब ब्रीड से, तो इससे नुकसान है क्या? मुझे अगर है लेकिन दोनों देसी ही, नुकसान इन द सेंस क्योंकि भारतीय गाय है तो गुण धर्म में तो वो नुकसान नहीं आ रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए गायों में भी जो हम गोत्र की बात करते हैं या फिर जो जो बच्चे देने की क्षमता है, आप दो अलग अलग को मिक्स कर रहे हैं, तो दूध में, गौमूत्र में, गोबर में कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं क्रॉस ब्रीडिंग उसको बुरा बोल रहा था जो विदेशी गाय और देसी गाय का जो क्रॉस बनाते हैं, ठीक है, वो एक एक काइंड ऑफ अ डिजास्टर हो जाता है इसके लिए। और अभी तो भारत में ऐसी स्थिति है कि सीमेन हो या फिर प्राकृतिक रूप से बुल ही नहीं मिल रहे हैं, तो शुरुआती तौर पर हम अधूरे रूप से ही करें, हम एकदम सटीक अगर हो जाएंगे तो हम भी एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे कि नहीं हमें एकदम शुद्ध चाहिए, तो आपको गाय ही नहीं मिलने लगेगी। फिर चलिए कम से कम शुद्ध देशी पर आ जाइए, फिर गोत्र पर भी आ जाएंगे कि सेम प्रजाति की होनी चाहिए। हाँ सर, एक क्वेश्चन मेरा और है कि जैसे आपने बताया कि गाय को हमें क्या क्या मतलब भोजन देना चाहिए वो समझ में आ गया, लेकिन सर थोड़ा सा मौसम के हिसाब से आप बता सकते हैं क्या, कि वो सर बहुत मतलब हमको रहता है कंफ्यूजन कि क्या दें क्या ना दें मौसम के हिसाब से। देखिए इतना 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 शानदार है ना, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गाय का जो भोजन है, गौ माता का जो भोजन है, वो हमारा भोजन होता है, याद रखिए। आप जैसे धान को देखते हैं तो धान का जो जड़ है वो धरती माता को भोजन देती है, जो पुआल है वो गौ माता को जाती है, और चावल हमें जाता है, 1/3, 1/3, 1/3। जो दलहन फसल है, दाल हम खाते हैं, और दाल का जो छिलका है
और जो वो गाय को चला गया और जो जड़ है फिर मिट्टी को नाइट्रोजन दे दी। तो जिस मौसम में जो उगती है, जैसे तेल है, जो तेल है ना मस्टर्ड जब उगती है ना ठंडे में उगती है तो उसी समय गौ माता को चाहिए होता है तेल का, जो हम बात करते हैं मस्टर्ड केक का बात करते हैं। तो दिमाग क्यों लगाना है, ऋतुचर्या पे आ जाइए, ऋतुचर्या पे जो भी फसल जब उगती है उसी समय बहुत हद तक संबंधित होगा कि गौ माता को खाना है। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और हमेशा से ही आपको सुनना हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। और आपने जिस तरह से आज गाय के बारे में और गाय से जो भी हमारे फायदे थे और जिसको हमने खो दिया है आज उसके बारे में बताया, वो काफी अच्छा लगा। अभी मेरा एक सवाल इसमें ये था कि जैसे अभी कुछ दिन पहले जब देश में कोरोना काफी पड़ा हुआ था तो उस समय कुछ खबरें आ रही थी, जैसे कुछ वीडियोज आ रहे थे जिसमें दिखा रहे थे कि कई लोग गाय की गोबर पूरे शरीर में लगाकर या गौमूत्र पीकर दावा कर रहे थे कि वो इससे कोरोना से बच जाएंगे। तो क्या इस पर कोई शोध है या हम आंख मूंद कर इस पर विश्वास कर सकते हैं, इसमें आपकी क्या टिप्पणी है? हाँ, मैंने पीएच शब्द का प्रयोग किया था सत्यजीत जी और बायो एब्जॉर्बिटी का, और बोला था कि गोबर और गौमूत्र मिट्टी से न्यूट्रिएंट को पकड़ ले रही है और पौधों को दे रही है। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में भी जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं या फिर जो हमारी दिनचर्या है उससे कई मैकेनिज्म शांत हो जाते हैं, वो आप समझ लीजिए हाइबरनेशन में चले गए। तो गौमूत्र कभी भी ना बीमारी नहीं ठीक करता है, ये बस याद रखिए पहली बात। इसलिए ये साइंटिफिक नहीं लगा कि अरे यार गौमूत्र कैंसर हर चीज कैसे ठीक कर सकता है, तो हर चीज कर भी नहीं रहा है। वो बायो एब्जॉर्बिटी ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट इन योर बॉडी, जैसे एक बच्चा दूध दूध पी रहा है ना तो जरूरी नहीं कि उसको कैल्शियम मिल जाए, आप याद रखिए। किसी भी प्रोडक्ट में लिखा है कि ये विटामिन B12 है, बी थ्री है, ये है, जो भी है इंग्रेडिएंट्स है, जरूरी नहीं कि आपका शरीर उसको ले ले। इसलिए न्यूट्रिएंट बेस्ड एक मार्केटिंग होती है और उसको शरीर में जो सोखने की क्षमता है वो काउ यूरिन बढ़ाती है। यही वो रिसर्च पेपर का मैंने पेटेंट संख्या दिया हुआ है ना, जो मैंने पेटेंट का नंबर दिया उसको चेक करिएगा, उसमें इसी बात को लिखा हुआ है कि बॉडी की जो रियल इम्यूनिटी है, फंडामेंटली इसी को इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है, उसको ट्रिगर करती है, इसलिए ये कारगर है। और जरूरी नहीं कि वो कारगर हो अगर वो गाय बंधी हुई है, वो खुले में नहीं चर रही है, वो पहाड़ों पर नहीं जाती है, वो जड़ी बूटी नहीं खाती है। यू सी, जो गाय खाएगी वही तो दूध में देगी ना, है ना। हम केमिकल फार्मिंग भी करते हैं, हम बोलते हैं DAP देंगे ना तब ना पोटास उसमें जाएगा पौधे में, तो गाय को कुछ मिल ही नहीं रहा खाने। देसी गाय हम बोल दिया और शहर की गाय है जिसको ठीक से खान पान भी नहीं मिल रहा है, तो उसके दूध में और गोबर में वैसे भी गुणधर्म नहीं होगा। तो हर जगह ये बात बोल देने से नहीं चलेगा, उस गोबर और गौमूत्र में भी वो गुण होना चाहिए तभी वो काम करेगा। So what I understand is from your entire session that the cow-based ecosystem that you were referring to so far is sustainable when it comes to a village-centric economy, as it was in the ancient days. So it was a self-sufficient economy, and it was possible in those days. But then my question is it actually possible today? We have the economy has become more of urban-centric and so on. So my question is, will it be actually practically possible to reduce the carbon footprint and to go green by implementing this, cow-based ecosystem today? And again, in the calculation that you had showed, it was regarding the sustenance and maintenance of just the cow, not for the male calves, which, are... It was. Okay. So how exactly can this be done in today's world? And looking at all this, is it not just a better option to be vegan in today's world? Actually, my talk is based for rural people and the small farmers, those who can't access the technology. And I am not against the technology, because you can use precision agriculture, you can use modern supply chain technique, weather forecasting technique, but the technology that is using urea and the DAP or the chemicals, which make your soil water scarce first, okay? So that should be prohibited. You can use any modern machine that is not very bulkier, okay? And you see, when you
take away the male calf, Nandi, from your dairy farm, the potential of the female calf to give milk also reduces. You see, it's very fundamental. See, male member hoga, tabhi female member will matlab be attracted or uska jo hormonal activities wo badhega. So you can say that ki male calf agar ek do teen nahi hai, to doodh bhi reduce karta hai, pehla. And urban centers mein mera bolne ka matlab hai ki you cannot start just dairy farm. Agar aapko urban people ko dairy farm karni hai, to they should connect to rural people aur supply chain pe work karo. They shouldn't start a random dairy farm within urban center, matlab ekdam beach mein. Aur agar kar rahe hai, to they should have the milk costing of higher than 300. Okay, that should be the ahimsa milk. Tabhi. So what I am saying ki if a person is negotiating ki nahi 50 rupees se niche milk hona chahiye, nahi 60 rupees se niche, to he should be vegan. Usko doodh nahi milna chahiye. Okay. And feasibility, main experience, because I work with the farmers and thousands of the farmers, and I know a farmer who is doing 8 acre of farming with only bull. Okay. So farming वैसे भी farmers के लिए है, not for just the agripreneurs. Agripreneurs को क्या होता है, उनका जो efficient है, हम जैसे अगर startup की बात करें, so you cannot have a startup on beetle shop, क्योंकि beetle shop जो है पान पत्ता, it's a labor intensive, so labor entrepreneurship, so dairy is comes under the labor entrepreneurship part. It should be dependent on the rural people, not just any startup person. उसे बस supply chain करना और value चेन पे काम करना, वो प्रोडक्ट्स बना सकता है, बट डेयरी फार्मिंग फार्मर्स पे ही छोड़ दे, रूरल पीपल. और छोटे फार्मर्स को ये टेक्नोलॉजी हमने देखी है, बिकॉज 5 साल से हमने सारे मॉडल्स पे अप्लाई कर लिया, ट्रैक्टर भी हमने कर लिया, केमिकल भी हमने शुरुआत में किया था, नैनो फर्टिलाइजर्स, बट दिस इज जीरो बेस्ड फार्मिंग, मतलब जीरो कॉस्ट बेस्ड फार्मिंग, एफर्टलेस नहीं है, मेहनत बढ़ जाता है. तो वही तो हम बोल रहे हैं ना, फार्मर्स को किसने बोला कि नेचुरल फार्मिंग से, मैंने बोला प्रॉफिट बढ़ेगा, किसने बोला कि आसान हो जाएगा, इट इज नॉट इजी, बट इट इज प्रॉफिटेबल. सो द सेकंड क्वेश्चन व्हिच आई हैव इज, आपने कहा था कि इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ कैटल जो हैं वो ज्यादा लो मेंटेनेंस होती हैं और ज्यादा सस्टेनेबल भी होती हैं. तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बस इस टॉपिक के बारे में जिक्र किया था, बट देन आई थिंक यू सेड फॉर द वांट ऑफ टाइम यू सेड दैट यू कुडंट गेट इनटू इट. So, you know, the common argument which is given by, you know, Western scientists or the media is that, you know, the cows, I mean, the cattle ecosystem, I mean, the cattle end up producing a lot of methane, which is a more potent greenhouse gas. So are you making the argument that the indigenous cattle were producing less methane, or do we have any studies related to that? So I can understand it's a huge topic. But then if you can provide us some, you know, links or something like that, which would basically say why exactly are the indigenous cattle more sustainable and more less maintenance and more eco-friendly with less carbon footprint than the modern, you know, the breeds, the exotic breeds. Yeah. I already explained you that ki ek colonization ki mentality aaj bhi hai via industry. So vegan food ko main bura nahi bolta, but vegan industry kya karti hai? They try to imitate a virtual meat. Meat ko wo neglect kar rahe hain, but wo industry based food ko promote karte hain. Now, let me give you the data and recommending you a book. Book is related to Cuba. I am forgetting the title of the book, but it is based on Cuban crisis. You just search a book based on Cuban crisis. Writer is Pat Murphy. So what he is saying that you produce urea somewhere else, okay? Now you transport it, now you store it, now you distribute it. It consumes 10 calorie of energy to produce 1 calorie of food. When you use cow, you are using 1.5 and 1 calorie of energy and producing 1 calorie of food. You see, so pollution ka correlation directly एनर्जी से हम सभी को क्लियरली पता है. यू यूज एसी, एयर कंडीशनर और कार. इफ एनर्जी एफिशिएंट नहीं है कोई सिस्टम, देन इट इज क्रिएटिंग पॉल्यूशन. ओके, सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और सेंट्रलाइज्ड एग्रीकल्चर क्रिएट्स पॉल्यूशन, नॉट दी डिसेंट्रलाइज्ड. एंड आप ज्वालामुखी को, आप वोल्केनो को नहीं बोलते हैं कि वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है. ओके, यू सी,
फॉरेस्ट में फायर अगर अपने आप लगे तो उसको पॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, जो इन फूड मतलब हम करते हैं उसको पॉल्यूशन बोलते हैं। तो काउ से मीथेन होता है, बट काउ को जब आप बांधते हैं डेयरी में तो उसका मतलब पेट का प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होता है और ज्यादा मीथेन गैस आता है, बिकॉज इट सीज नॉट ओपन ग्रेजिंग। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि वीगन या कोई भी इंडस्ट्री या एनिमल राइट्स, ये एज अ इंडस्ट्री टू वर्क करती है। जैसे ये जो इन्वायरमेंट वाले इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट, जरूरी नहीं कि उनका कंसर्न हो इन्वायरमेंट को लेके, वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है कि मुझे उस इंडस्ट्री को नहीं आने देना। सो ऑन थ्योरी इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट, वीगन बहुत अच्छा है, बट उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? वो इंडस्ट्रियल बेस्ड फूड को प्रमोट करना चाह रहे हैं। एंड अफ्रीका का एग्जाम्पल मैंने दिया कि कैसे कॉलोनाइजेशन हुआ था अफ्रीका का। ठीक है, 52 लाख कैटल्स मरे थे। ठीक है, सो यू सी ये एक डेटा पॉइंट्स दिखा के कंफ्यूज करते हैं। दैट्स व्हाई डेटा बेस्ड लॉजिक इज ऑलवेज फ्लॉड, क्योंकि एक डेटा पॉइंट से ग्राफ बदल सकता है, वी ऑल नो। सो वी शुड ऑब्जर्व मोर, है ना। इट्स जस्ट कि हम 10,000 ईयर जो हम बोलते हैं एटलीस्ट, वो गाय आधारित ही थी, हमने कभी पॉल्यूशन नहीं क्रिएट किया, है ना। यू सी वी शुड अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। ओके, थैंक यू, लेट अस गिव अनदर। रविंद्र भार्गव जी की तरफ से मैं उनकी बात आपके सामने रख रही हूँ, उन्होंने चैट बॉक्स में भेजा है। तो रवि जी, आपने गाय के बारे में इतने अच्छी तरह से बताया, उसके लिए आपका अभिनंदन। मेरा विचार है कि राहुल जी आपका लेक्चर पहले करा देते तो आपको पिछली ऋषि फल में अवश्य ही मिनिस्टर बनाया जाता। आपकी बात को यदि बीफ खाने वालों को बताया जाए तो शायद लीगल एक्शन की जरूरत ना पड़े। मेरा प्रश्न है कि गरीब लोगों को एक गाय दे दी जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या काफी खत्म हो सकती है। इसके अलावा मेरा प्रश्न है कि गरीब लोगों को एक गाय दे दी जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या काफी खत्म हो सकती है। इसके अलावा यदि आयुर्वेद को बढ़ावा मिले तो एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। कृपया बताए कि कॉमन सिटीजन इस बारे में क्या कर सकता है। कॉमन सिटीजन जो है ना, एटलीस्ट ये भी समझ जाए ना कि गाय को माता क्यों कहते हैं, और केस स्टडीज पर जाए। हम भावनात्मक रूप से बात कर सकते हैं, जो राजीव सर बोलते हैं ना, इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय हमें बनना है, इमोशनल क्षत्रिय नहीं बनना है। तो गाय पर हम क्रुद्ध हो सकते हैं कि क्यों इतना अत्याचार हो रहा है, तो केस स्टडीज पर जाए। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो चाय बागान है ना, वो केमिकल फार्मिंग से बड़ा उनका क्राइसिस क्रिएट हो रहा था, और पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिक टी का बड़ा डिमांड बढ़ा। तो आप समझ लो कि उसका जो टेरन है नॉर्थ ईस्ट में, बड़ा सही नहीं है। तो वहां पर क्या किया गया ना, गाय को बांटा गया था, एक एक फैमिली को बांटा गया, और वो एटलीस्ट 3 लीटर वाली दूध वाली थी। तो वो क्या होता था कि 2 लीटर तुम रख लो, 1 लीटर तुम अपना, घर तुम्हारा चल रहा है, माल न्यूट्रिशन खत्म हो गया, मतलब एक CSR प्रोजेक्ट जो माल न्यूट्रिशन को टारगेट किया। ठीक है, और जो बाकी बच रहा है दूध, उसका पंचगव्य बनाओ। इट्स अ वेरी माने हाई एडवांस लेवल ऑफ आप समझ लो बायो स्टिमुलेंट और बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो चाय बागान में वो पंचगव्य को छिड़का गया और कई पत्तियों को जलाकर उसको धुआं किया गया। तो इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री को लगा कि हम नेचुरल में शिफ्ट कैसे करेंगे, तो गांव के तरफ हो गया। तो बांटा गया था ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि नहीं। तो उस डेटा को इस्तेमाल करके भी, केस स्टडीज को लेके हम बाकी जगह भी ये काम कर सकते हैं। और होता क्या है ना कि आपको पॉलिसी लेवल पे अगर बदल दे, कि विचार का समय गया, अब विचार नहीं चलेगा कि हम सोच पा रहे हैं कि गाय के साथ होना चाहिए, हमको बदलाव लाना है। तो पॉलिसी कब बदलेगी, रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, ऐसे टॉक्स, बुक्स। तो ये इमोशनल लेवल पे नहीं, एकदम सीधे वैज्ञानिक तौर पर बात करेंगे। जिनको जो भाषा समझ में आ रही है उसी में आप बात करिए, नहीं तो वो कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये एक तरीका है कि, और लोगों ने ना मतलब लोग अभी जिस कॉर्पोरेट्स है वो मेरे पीछे लग सकते हैं कि ये डिफेमिंग के लिए, लेकिन आप देखिए कि जब इम्यूनिटी की बात आई तो लोगों ने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया जो टीवी में 10 साल से आता था कि अपने बच्चे को ये दीजिए, अपने बच्चे को ये दीजिए, सब नींबू पर आ गए, तुलसी पर आ गए। तो क्राइसिस सबको सिखा दिया कि ऑलरेडी कि क्या करना चाहिए था, है ना, न्यूट्रिएंट कहाँ से मिल रहे हैं, इम्यूनिटी कहाँ से आ रही है। तो वो लोग अपने आप समझ रहे हैं और इंटरनेट उनको और फास्ट समझा रहा है। सो सर, व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क नेक्स्ट इज, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट हाउ एग्जैक्टली वाज द एंड टू एंड life cycle of the cow playing in the ancient days? So say for example, when the cow dies in the ancient days, how exactly did the system of slaughterhouses come into picture over there? So I mean, and how did the system of gaushalas function or something like that? I mean,
maintenance of a goshala. I mean, I understand that, you know, temples were always associated with the goshalas, and then it is over there that, you know, the elderly cows were taken care of. I understand that. But then, is there any end-to-end picture that you can, you know, tell us the, like, how exactly, you know, the entire ecosystem was functioning? How did the slaughterhouses come into picture in the ancient way? Or did they just wait for a cow to die and then did they skin it and make the leather products out of it? So how was the end-to-end, you know, entire ecosystem functioning? Temples, let's come from Shiva temple, Nandi. So Nandi, Nandi को पहले गांव या किसान नहीं पालता था, मतलब पूरा गांव मिलकर, पूरा पंचायत मिलकर उसे फ्री मूव करने दिया जाता था, उसको बांधा ही नहीं जाता था। वो जहां जाता था, जिस भी फार्म पर वो एंटर करता था, उसको रोका नहीं जा सकता था। इवन अर्थशास्त्र में उस पर कोई फाइन नहीं है। देर इज नो फाइन इफ इफ दिस काइंड ऑफ ब्रीड, मतलब नंदी और दूध देने वाली गाय, इफ दैट इंटर्स इन टू फार्म, उसका कोई पनिशमेंट नहीं था, ठीक है। एंड ब्राह्मण का काम था संवर्धन, गौ संवर्धन का काम हो गया ब्राह्मण का, ठीक है। नाउ वाटर बॉडीज को प्रिजर्व किया जाता था, जो भी है, रिवर बॉडी है या पॉन्ड है, एवरीथिंग, क्योंकि जो काउ है उसको अगर टेम्परेचर मेंटेन करना है, वो खुद ब खुद पानी पे, वाटर पे चली जा रही है, वाटर बॉडी पे जा रही है, टेम्परेचर उसका लो हो जा रहा है। तो अभी की बहुत सारी बीमारियां ये होती है कि हम बांध के रखते हैं। अब गाय को कब कौन सी टेम्परेचर चाहिए हमें नहीं मालूम। आप ही सोचिए, आपको ठंडी लग रही है, मैं पंखा चला दूं या एसी चला दूं तो कैसा लगेगा। सो गाय के साथ क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल, वो छाया में कभी चल जा रही है, कभी वाटर बॉडीज पे, पानी उसको जब पीना है, जितना पीना है वो पी रही है। नाउ अगेन द कलेक्टिव फार्मलैंड, जो गोचर भूमि, इट इज ऑल्सो इंश्योर्ड बाई द स्टेट, नॉट द पीपल, क्योंकि पीपल होगा तो लैंड का डिस्प्यूट हो गई। तो ये स्टेट कंट्रोल्ड लैंड था जिसपे फॉडर फार्मिंग कंपल्सरी था, ओके, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ कंपल्शन। तो एंड टू एंड में अगर बोलेंगे, एंड दी अदर, हमारे जैसे हम बोलते हैं कि हमारे गांव में अगर हम बात करें, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से जैसे कनेक्टेड हूं, तो हमारे गांव में डोम एक जाति होती है, तो वो जो मृत्यु होती है जानवरों की, दे टेक केयर ऑफ दी डेड दोज एनिमल्स, और समाधि खाद में भी कन्वर्ट होती है। यू सी, अगर इसको समाधि दे दिया जाए, मतलब मिट्टी में बरी कर दिया जाए, बेरी, ओके, सो दैट दैट गो इटसेल्फ डिकम्पोजेस, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्टिमुलेंट और फर्टिलाइजर बनता है, यू सी। सो उसका एक एक लेवल पे ये कंजम्पशन है, और एंड टू एंड में दिस इज द इकोसिस्टम की वाटर बॉडी इंश्योर है, फार्मलैंड इंश्योर है, ब्राह्मण इज डूइंग गौ संवर्धन, नॉट दी फार्मर्स, फार्मर्स आर डूइंग फार्मिंग एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ द ऑक्स, ऑक्स, ठीक है, नॉट द बुल, बुल इज टेकन केयर बाय, एंड द फेस्टिवल इटसेल्फ, मैंने बोला शुरुआत से जो हमारे फेस्टिवल्स है, जैसे जल्लीकट्टू में हम बोले, सो हाउ द चॉइस ऑफ ब्रीड हैपेंस, कि चॉइस कैसे होता था, या हाउ द प्रॉस्परस फार्मर इज डिसाइडेड, कि वो उस पार्टिसिपेट करता था कॉम्पिटिशन में, उस ब्रीड को भी सिलेक्ट करता था, और वो फार्मर भी सिलेक्ट होता था कि ही इज फिजिकली फिट एंड नाउ ही कैन बी अ प्रॉस्परस फार्मर, बिकॉज अ फार्मर नीड्स फिजिक, ही शुड बी फिजिकली फिट। तो ये जो परंपराएं हैं, इट इंश्योर्ड द बोथ, कि ब्रीड भी सेलेक्ट हो जाए एंड फार्मर्स को भी पता चल जाए कि ये उसका प्रोफेशन होगा, नहीं तो वो नहीं कर सकता, वो फिर दूसरे प्रोफेशन में जा सकता है, ही शुड बी देयर, ओके। एंड घी, घी इज ट्रेडेबल, घी जो है वो यज्ञ में जाता था, यज्ञ का जो जितने भी पूजा की सामग्री है वहां पर जा रही है, सो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ इज टेकिंग आउट ऑफ ये जो, और दूध का ट्रेड नहीं हो रहा है क्योंकि एवरी फैमिली हैज एटलीस्ट टू और वन काउ, ओके, सो दिस इज हाउ, मतलब जो है, एंड फॉरेस्ट को भी इंश्योर किया जाता था कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, एटलीस्ट पेरिफेरी टू द विलेज, इट इज द ग्राम मॉडल, मतलब आप देखेंगे अर्थशास्त्र में इट्स अ ग्राम मॉडल, देन द किला जो बनता है, फोर्ट मेकिंग कैसे होगा, देन सिटी, देन द लार्जर अर्बन सेंटर्स, तो ग्राम का ये रूल था कि देर शुड ऑल्सो बी द फॉरेस्ट, और नहीं है तो यू शुड ग्रो इट। Just one final question, sir. Are there any currently established, you know, supply chains or logistics for, you know, ahimsic milk in these three cities? Because these are the three cities I'd be residing in: Pune, Coimbatore, and Bangalore. Anything that you can suggest? So I became a vegan last year. It's been a 1 year now, ever Okay. since I became a vegan, because of this entire Okay. ecosystem, which you know is completely Yeah, ahimsic. yeah, I yeah, mean, yeah. yeah. So if there is anything which is available that can make me, you know, a lacto-vegetarian again, I don't mind, because I end up spending, you know, quite a lot of money for vitamin B12 injections every year. Actually, what happened, na? You
should join any community, because now the pure milk is not tradable. It is not tradable right now. If you are a member, means you are spending time with cow and giving the grass, the fodder to the cow, society, kind of any society, you can refer to it. Then, and then only you can get the milk, because you will also notice ki ahinsa hai kiri. Matlab, if you visibly see, kyunki certification se chalega nahi, it is not certified se chalega nahi, you should visit gaushala. और देखो आपको लग रहा है कि हाँ कोई इवन छड़ी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, दैट स्टिक भावना सूत्र है जहां पर नाम रखा जा रहा है. इफ इफ एनी गौशाला जहां पर नाम है, गौ माता का नामकरण दिया गया है, देन आप समझो कि ये अहिंसा मिल गया, क्योंकि इट्स अ फैमिली मेंबर का रिलेशनशिप बन रहा है वहां पर, है ना, नाम से पुकारा जा रहा है. थैंक यू सो मच सर. आई मीन आई अंडरस्टैंड यू हैव बीन वेरी पेशेंट विद माय क्वेश्चन, सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड थैंक्स अ लॉट. बाय. रवि जी, मेरा प्रश्न आपसे है, जो शहरों में जो गाय घूमती है, तो वो गाय कैसी उसमें छोड़ दिया जाता है, फिर उनका कोई पालन पोषण नहीं होता, किस तरह की गाय होती है वो? होता क्या है कि जैसे मैंने फीडिंग कॉस्ट बताया ना, आपका इतना ज्यादा है फीडिंग कॉस्ट, तो ये गौपालक क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं. तो होता है क्या कि हमें अभी श्रद्धा तो बची हुई ना, तो हमारे घर के बगल में अगर रुकी हुई है, खड़ी है गाय, तो हम कुछ दे देते हैं, रोटी दे देते हैं. तो होता क्या है ना, फार्मर का वो सारा कॉस्ट बचता है, वो 10 घर घूम के आई, 10 जगह से थोड़ा 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 खाएगी, और जो गौपालक है उसको लगेगा कि हाँ इसका पेट अब भर गया, तो मेरा खर्चा कम हो गया, तो मैं अब 40-50 रुपीज में दूध दे सकता हूँ. यू सी, सो इट इज काइंड ऑफ एक, हम बोलते हैं कि गिग इकोनॉमी बन गई है, कि आप वैल्यू नहीं समझे तो आप पे नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी छोड़ दे रहे हैं. एंड भावना खत्म हो गई है, मतलब भावना इमोशनल टच, क्योंकि इमोशंस तभी आएंगी जब वो एक्चुअली देसी गाय होंगी, है ना, क्योंकि गाय होनी चाहिए ना. दैट ब्रीड इज इटसेल्फ नॉट अ काउ. लेपर्ड और आप समझ लो चीता और बाघ को आप दिखता सेम है, दैट द सेम काइंड ऑफ अ कैट, लेकिन वो दोनों अलग है. उसी तरह का है, सेम है, वो दूध देती है, लेकिन वो सफेद है, ये कैरोटीन वाला मिल्क है, तो एटलीस्ट गाय तो नहीं है ना, देसी गाय भी तो नहीं है. और जो जर्सी में हमने देखा, हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो खाए जाती है, मतलब उसका पेट नहीं भरता है, मतलब उसी. और जो देसी गाय, उसको मालूम है कि इतना खाना है, अब मेरा पेट भर गया, मतलब अब मुझे नहीं खाना है. सो अ सेंस ऑफ एक ओनरशिप भी उसमें है, उसको लगता है कि फैमिली मेंबर है, ये हमारा एक्सपीरियंस है. गलत भी मैं हो सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मैं प्रूफ के बेसिस पर नहीं बोल रहा हूँ, ये हमने देखा है. दैट इज All I can say. तो जो देसी गाय होती है, जो शहरी गाय, खाना पीना तो बिल्कुल अलग होता होगा ना. आप शहर में देख लो, उनको सूखा खाना मिलता है, उनको सूखा चारा मिलता है, उनको दवाइयां मिलती है, हार्मोन्स मिलते हैं, मतलब उसको हम मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं. और जब दूध देना बंद कर दे रही है, तो उस गाय को हम भूल जा रहे हैं. एंड हम हाँ कहीं ना कहीं कचड़ों में से क्या क्या खा रही है, इन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्लास्टिक वगैरह, तो फिर वो दूध सही रहेगा उनका? दूध तो बोले ना, वो सही रहेगा. एटलीस्ट देखिए, फ्रेश फूड अगर खाएगी नहीं कोई गाय, तो ऐसे भी दूध सही नहीं रही है. हम जो है, जैसे मैं रांची में रहता हूँ, तो मुझे तो खुद बड़ी मुश्किल होती है कि यहाँ पर मुझे पेरिफेरी में मिल जाए, तो हम नहीं लेते हैं वो मिल्क. क्यों लेंगे, मतलब आप मिल्क के नाम पर कुछ और क्यों लें, मतलब. एंड एटलीस्ट आप सपोर्ट कैसे करोगे, हम लोग क्या कि फैट बेस्ड क्वालिटी पैरामीटर बना दिया. आप देखिए, दूध फैट बेस्ड होगी, ये कब से होने लगा ये पता नहीं, मतलब. तो भैंस का दूध ज्यादा बिकेगा ही, कोई भी दूध बिकने लगे, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट आपेंगे. जब हम कैरोटीन, जब हम बात करें कि ये सात्विकता है, इसमें इतने सारे हेल्थ इश्यूज क्लियर करता है, तो मेरा देखिए पैरामीटर ही ऐसा हो जा रहा है जिसमें देसी गाय का कोई वैल्यू नहीं है. और घी को लोग भूल चुके हैं, तो घी से गाय सुधरेगी, नॉट जस्ट फ्रॉम द मिल्क. मिल्क से तब सुधरेगी जब आप रूरल एरिया के पेरिफेरी में आप रह रहे हैं, विसिनिटी में रह रहे हैं, तभी दूध से उसकी इकोनॉमी होती है, नॉट फ्रॉम जस्ट मिल्क. घी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं, और ये नहीं सोचना कि 1500 से ऊपर है पर केजी, यार इतना महंगा कैसे हो गया. सो वो होगा उतना महंगा, दैट इज द रियल कॉस्ट. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि गोदान, जो मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो उसमें बताया गया है कि जो गरीब से गरीब किसान होते हैं, उनके घर में चाहे खाना ना हो, चाहे रहने में जगह नहीं, लेकिन उनके पास एक गाय बहुत होना बहुत जरूरी है. तो क्या अभी भी गांव में ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, हमारे बगल में गांव है, 40 किलोमीटर यहाँ से जोना गांव है. तो आप सोचिए ना कि केमिकल फर्टिलाइजर मान लीजिए नहीं है, हमारे सोसाइटी से हटा दो, आप यूरिया हटा दो, फर्टिलाइजर सब हटा दो, ठीक है, एक
अनउपजाऊ, मतलब जो उपजाऊ जमीन नहीं है उसमें भोजन पनपेगा कैसे, जन्म कैसे लेगा? हम गाय को माँ क्यों कह रहे हैं कि जन्म दे रही है, गाय को माँ क्यों कह रहे हैं क्योंकि केयर कर रही है, गाय को माँ क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारी बीमारी को भी ठीक कर रही है। जैसे माँ हमारा केयर करती है रात में जग जग के जो जैसे होता है, या फिर जन्म देना या फिर भोजन की व्यवस्था करना, तो कृषि ही नहीं होगी ना। मतलब अगर गाय नहीं होगी तो बैल को भी, बछड़े को भी तो जन्म कहां से होगा, बछड़े का खेती कैसे होगी, है ना, खेती संभव नहीं है ना। और वो खुद रूखा सूखा घास खा के रह जाएगी, वो तो ग्रेजिंग करके भी उसका चल जाता है। मतलब सर मेरा क्वेश्चन ये है एक्चुअली कि जैसे गाय को मतलब जो हम लोग कहते हैं कि सूखा भी भूसा भी खिलाना चाहिए ताकि वो ज्यादा गोबर जो है वो ज्यादा गीला ना दें, तो ये सच है क्या, मतलब ऐसा करना चाहिए क्या? देखिए गाय गोबर गीला दे रही है मतलब वाटर पे बात हो रही है, पानी पे, ठीक है, पानी पर बात हो रही है। तो जब हम सूखा देते हैं ना चारा तो उसको पानी ज्यादा पिलाना होगा, और जब हम हरा चारा देंगे तो उसमें वाटर कंटेंट है कि नहीं, जो फ्रेश फूड है उसमें पानी होता है और वो ज्यादा अच्छा पानी होता है, ठीक है। और पानी जो है, जल जो है गौ पालन का बहुत क्रूशल पार्ट है, ये भी मैं बता दूं। तो फ्रेश फूड जब आप खिला रहे हैं हरा चारा तो पानी कम पीती है वो, पानी अगर ज्यादा पी रही है फ्रेश फूड भी ले रही है तो पानी अगर ओवर वाटर होगा शरीर में तो ज्यादा गीला देगी, है ना। तो ये तो देखिए हम जब हम डिसाइड करने लगे ना प्रकृति को कि ऐसा ही गोबर होना चाहिए तो चेंज तो थोड़ा करना पड़ेगा। तो और सूखा चारा क्योंकि कम लगती है क्वांटिटी में, हरा चारा 20 किलो 30 किलो लग रही है, सूखा चारा 8 किलो 10 किलो लग रहा है, तो एक वो भी पैरामीटर है। तो ये तो चलिए हमारा चॉइस है, हम थोड़ा आउटपुट बेस्ड इनपुट को डिसाइड कर रहे हैं तो होगा, बदलाव आता ही है उसमें थोड़ा सा। सर मेरा दो क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि सर एक्चुअली हम लोग भी मतलब गौ आधारित खेती कर रहे हैं, तो मुझे सर गाय से गोबर गोमूत्र जो गोमूत्र होता है उससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं और कैसे बनाए, उसके बारे में अगर हमें जानना हो स्टडी करना हो तो सर? देखिए उसके लिए जानने से तो सिर्फ नहीं होगा, ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है रांची में, इसी तरह आपके क्षेत्र में भी होगा, जो इनक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं उसमें काउ बेस्ड प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, एक एक महीने की 15-15 दिन की ट्रेनिंग होती है। आप एग्जैक्टली ट्रेनिंग ले लो, इंटरनेट से सिर्फ नहीं होगा, आपको आइडिया जरूर मिलेगा ये बना सकते हैं ये, लेकिन पूरा जो प्रोसेस है आप किसी कैंप में जाओ और आपको ढूंढना पड़ेगा, और नेट पे ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं आपको। तो ट्रेनिंग आप लोग शैम्पू बना सकते हैं, सोप बना सकते हैं, धूप बना सकते हैं, पेंट बना सकते हैं, ड्राई मैन्योर बना सकते हैं, जो जैसे प्रॉम हम बात करते हैं, है ना। तो पंचगव्य बना सकते हैं, इट्स आप पंचगव्य जो पूरे आयुर्वेद, अगर आपकी पंचगव्य ना सटीक से काम कर गई ना तो वो मेडिसिन वाले जो आयुर्वेद बेस्ड मेडिसिन है वो तो आपका पंचगव्य ले लेंगे, और दैट इज द बेस्ट मॉडल। पंचगव्य को अगर आप सेल करते हैं ना तो सबसे शानदार पे बैक देती है वो व्यवस्था, क्योंकि इट इज कंज्यूमिंग काउडंग, पंचगव्य मतलब पांच चीज ना, काउडंग काउयूरिन दही दूध घी, तो 5 प्रोडक्ट्स कंज्यूम हो जा रहा है सिंगल प्रोडक्ट में, एक सप्लाई एक वैल्यू चेन में 5 रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जा रही है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें ऐड होगा, सो हाइएस्ट एडेड वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। सर डाउट ये कि सर हम लोग क्या कभी कभी क्या सर गाय हम लोग दूध निकालने जाते हैं तो दूध नहीं देती है, और मुझे मतलब ये समझ में आया कि इसे गाय के बच्चे को कितना दूध पिलाना है और हमें कितना निकालना है, मतलब ये हम लोग कैसे करें डिसाइड, क्योंकि ये रहता है कन्फ्यूजन कि गाय को हम लोग बच्चे को दूध पूरा नहीं पिलाते हैं, कुछ लोग दूध पूरा निकाल लेते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि वो हम ये कैसे करें डिसाइड कितना पिलाना और कितना निकालें, इसका कुछ है क्या? देखिए जो सबसे पहले तो गीता प्रेस की पुस्तक आप ले सकते हैं, ठीक है, गौ अंक नाम है, तो उसमें या वेदों के आधार पर जाएं तो 2 भाग बछड़े का बाछी का और 2 भाग मनुष्य का, ये बाद में 6 महीने जो बछड़ा जो है बाछी जो है 5-6 महीने से ज्यादा बड़ी हो जाती है तब 2 ही भाग उसको देना है, 50% और 50% आपको लेना है, और शुरुआत में जो 2-3 लीटर पी रही है उसको पीने देना होता है। अब बोलिए ये तो बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान है ना इसमें, हम आधा दूध दे दे रहे हैं, तो होगा क्या ना कि हम बात करते हैं ना 1.5 साल से 2 साल में हमारे पास फिर एक गाय गौ माता आ गई, तो वो जो गौ माता जिसका बचपन से टेक केयर बहुत तगड़ा हुआ है, हम अपने बच्चे का क्या कहते हैं पूरा पहला 1 साल कितना केयर करते हैं, तो बछड़े का यहाँ पर अगर शुरुआत से अगर आप केयर करते हैं बाछी का, उसकी मिल्क बेयरिंग कैपेसिटी जो अडर में मिल्क कैपेसिटी है वो पोटेंशियल बढ़ता है, और ये हमने आंख से देखा है, यहाँ पर 2-3 लीटर की कैपेसिटी थी
हमारे मित्र हैं प्रशांत साई जी, तो उनका हमने देखा कि 4 लीटर 4.5 लीटर एक जनरेशन। आप सोचिए कि 8 मतलब ये आप जो गिर को सुनते हैं ना कि अरे 15 लीटर 18 लीटर, तो आपको क्या लगता है कि ये ब्रीड में ये जान है? नहीं 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 ये मेहनत है पिछले 25-30 साल का कि बाछी बछड़े को पिला पिला कर वो 4 लीटर 3 लीटर से 15 लीटर पहुंचा दिया गया। तो इट इज अ एफडी फॉर यूर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड्स, जैसे अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो बाद में आपको ह्यूज रिटर्न्स देगा, ठीक है? और यही आधार है। और लात या परेशान क्यों हो रही है, ये भावना सूत्र पर है। आपकी गाय को मैंने बोला ना सात्विकता बड़ा रिच सोर्स है सात्विकता, तो आपका व्यवहार आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी बदलनी होगी। आप अगर बदलेंगे आपका जो सानिध्य है गाय को भी पसंद आएगा, ठीक है? सो दैट्स हाउ इट चेंजेस ऑल्सो द गौपालक, उसका भी व्यवहार आचार चेंज हो जाता है जो गौपालन में जानते हैं, ठीक है? तो एक फोन नंबर है रवि जी का जिसपे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उनकी जो बुक है कृषि संहिता, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वन शुड गेट दैट बुक, इट्स अवेलेबल। और ये हार्डकोर वृक्षायुर्वेद पे सिर्फ नहीं है, ये प्रैक्टिकल मैनुअल है अगर आपको नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है उस पर है, तो वृक्षायुर्वेद का अंश मिलेगा, ये पूरा वृक्षायुर्वेद नहीं है। क्योंकि ज्ञान की बातें हम बात कर सकते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है उसकी जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा होनी चाहिए जब आप खेत पे उतरते हैं, तो उसके लिए यह पुस्तक है। मेरा ये सवाल था कि अनीता ढिल्लन कश्यप एक स्पीकर थी हमारे साथ, नवंबर में उन्होंने टॉक दी है संगम टॉक्स पे ही, एंटी काइन किलिंग मूवमेंट, जो धर्मपाल जी की बुक पे लिखा है, एंड धर्मपाल जी इस बुक इज द ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश काउ स्लॉटर इन इंडिया, वन शुड गेट दैट बुक फ्रॉम हिंदू ई शॉप एज वेल। इट टॉक्स अबाउट अ मूवमेंट दैट रैन फॉर अबाउट 14 ईयर्स, तो कृषि काउस को नहीं मारने के लिए। सो उसमें काफ़ी मुस्लिम्स एंड पारसीज ऑल्सो टुक पार्ट। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, आई जस्ट वॉन्ट टू, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी अपने टॉक में कि हम काउ को अपनी माता क्यों मानते हैं, वाई डू वी कंसिडर काउ एज द एज अ मदर। तो उन्होंने बोला था कि जब हमारी हमारा जो ये सिविलाइजेशन शुरू हुआ था तो वो काउ के बेसिस पे ही हुआ था। हमारे जो एंशियंट फार्मर्स थे और यू नो ऑल द पीपल, उनको पता चला कि गौमूत्र, गोबर एंड ऑल्सो यू नो मैनी द मिल्क, द घी, एवरीथिंग दैट कम्स आउट फ्रॉम द काउ, जो भी काउ से निकलता है वो अमृत ही निकलता है। तो इसी के बेसिस पे इकोनॉमी शुरू हुई थी हमारी पूरी की पूरी। सो इन दैट सेंस वो हमारी माता ही है, अगर वो नहीं होती, इकोनॉमी नहीं चलती, स्टार्ट ही नहीं होती, तो वी वुड बी डेड बाय नाउ। तो रवि जी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जब शुरू हुई थी, आपने मेंशन किया है टॉक में कि 10,000 साल से गौ पे ही आधारित थी, तो वो अगर हम एज मॉडर्न पीपल, हम तो सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, घी एटसेट्रा, वी कांट कीप काउज, वी कांट डू दैट, वी कैन सपोर्ट गौशालाज। तो एज अ मॉडर्न, जिसको मॉडर्न कहते हैं इंडियन शहरों में बैठ बस, तो वो खरीदने के जरिए कैसे इसको सपोर्ट कर सकते हैं, और हमारी इकोनॉमी जो शुरू हुई थी काउ के बेसिस पे, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं 5 मिनट के लिए। मॉडर्न इकोनॉमी को मॉडर्न प्रॉब्लम्स है और मॉडर्न सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है? सो हमारे मॉडर्न प्रॉब्लम्स है हेयर बेस्ड प्रॉब्लम, बाल झड़ रहे हैं। सो ये मैंने बोला कि काउ यूरिन बेस्ड प्रोडक्ट हैं, शैम्पूज हैं, ओके? सो आप देख लीजिए आयुर्वेद है, इफ नेचुरोपैथी, काउपैथी, जो हमारे जो एलिमेंट्स, हमारी जो बीमारियां हैं बहुत सारी ना क्रॉनिक होती है, मतलब ऐसा होता है ना, आयुर्वेद के पास बहुत लोग तभी जाते हैं, वो बोलते हैं सब जगह से हम थक हार गए, सारे हॉस्पिटल्स ने हमें मना कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति सोचिए आयुर्वेद के पास जाते हैं और उनको लाभ मिलता है, सोचिए शुरुआत में अगर गए होते यू सी तो कितना लाभ हुआ होता, कि ये जो एटलीस्ट जो फाइनेंशियल क्राइसिस, इतना जो पैसा बह गया जस्ट हॉस्पिटल्स में एंड मेडिसिन में, वो नहीं होता। एंड दी मेडिटेशन सेंटर्स, या जो हम यूनिवर्सिटी, अभी अगर हम बात करें कि वैदिक बेस्ड अगर यूनिवर्सिटी हम खड़े करनी चाहते हैं, तो उसका आधार होगा कि वहां पर गौ पालन, गोचर भूमि अगर आप डाल देते हैं, तो जो बच्चे हैं वहां के वो वैदिक परंपरा से तब रियल सेंस में ग्रो होंगे, ठीक है? एंड जो अगर हम क्लेम कैसे करेंगे कि हम गौ आधारित ही सभ्यताएं, क्योंकि यज्ञ जब हम बात कर रहे हैं, यज्ञ में जो आहुति दे रहे हैं या जो दही मिली थी हमें, जो सरस्वती सिंधु सभ्यता में दही का हमें अवशेष मिलता है, हविष्य का अवशेष मिलता है, घी का मिलता है, ये संभव कैसे है? तो जो गौ माता है उसकी वजह से हम किसी भी भूमि को फर्टाइल बना सकते हैं,
तो एक पार्ट ये है कि रूरल एक फार्मर जो बहुत उसके पास पैसे ही नहीं, यूसी पैसे नहीं है तो वो फार्मिंग कैसे करेगा, वो बीज खरीदने के उसके पैसे नहीं, तो देसी बीज पे जाए, देसी गौ आधारित कृषि जब करता है तो वो बार्टर सिस्टम पे चला जाता है। पहले क्या होता था ना गांव में, तुम सरसों कर लो हम चावल कर लेते हैं, तो मनी का रिक्वायरमेंट ही नहीं था। सो काउ बेस्ड प्रोडक्ट जो है, जब जब होता था कि मौसम खराब हो जाता था तो फार्म अगर खराब हो गया, क्रॉप्स फेलियर हो गए, तो गाय फिर बचाती थी ना, क्योंकि गाय एक पार्ट है, तो जो क्राइसिस मैनेजमेंट है वो भी कर रही है। तो आज के टाइम में जो जो मैंने पॉइंट्स दिया था, जैसे कि अगरबत्ती की जगह धूप को कन्वर्ट कर दो, है ना, जो प्रोडक्ट है, या फिर जो मड हाउसेस बहुत लोग अभी रिजॉर्ट बना रहे हैं, एक नेचुरल हाउसिंग या सस्टेनेबल हाउसिंग एक सेक्टर बन रहा है, उसमें काउडंग का बहुत यूज है, यू सी। सो हम, आप समझ लो, गाय से कृषि भी है, वैदिक पेंट भी है, आपका घी भी है, पूजा की सामग्री से लेके फिर सस्टेनेबल हाउसिंग, सस्टेनेबल हेल्थ केयर, नेचुरल हेल्थ केयर भी है, तो हम किधर से भी एंट्री कर सकते हैं। तो फूड और हेल्थ, हमको लगता है कि इससे बड़ा नेसेसिटी तो कोई सेक्टर नहीं है, मतलब ऑल अदर्स आर मार्केट बेस्ड और एडवर्टाइजमेंट से हम इंड्यूस होते हैं, बट फूड हमें चाहिए और हेल्थ हमें इश्यूज सॉल्व कर रहे हैं। तो वहां पर अगर गौ माता की एंट्री होती है, नॉट जस्ट की दूध जैसे चली आ रही थी 50-60 साल से, तो गोबर से दूध जाने की यात्रा में ही गौ का नाश हुआ है, ठीक है। तो गोमय वस्ते लक्ष्मी थी, लक्ष्मी को छोड़ेंगे तो समस्या होगी, तो ये है आधार। तो इस चीज को भी अगर आप समझते हैं कि प्रोडक्ट ही आप यूज करें, हेल्थ प्रोडक्ट, न्यूट्रिएंट बेस्ड प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इवन आप समझ लो फेस, आप जो फाउंडेशन या फेस पाउडर अगर आप बात करें, वो भी आती है और हमारे यहाँ तो मिलती है, मैं हमारे गौशाला में बनती है यहाँ पर बगल में, और वो भी बहुत अच्छे लोग यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत लोग स्किन इश्यूज हैं, ये केमिकल यूज करेंगे, ये इश्यूज, साइड इफेक्ट्स बहुत आते हैं, बट इसमें अगर काम नहीं किया तो साइड इफेक्ट तो नहीं दे रहा, ठीक है। आपने बहुत सुंदर तरीके से लिखा कि वेदों में लिखा है कि गाय अघन्य है, गाय अघन्य, हाँ, तो अघन्य दैट शुड नॉट बी किल्ड। अब देखिए नेट पे बहुत सारे आर्टिकल और बुक्स भी पब्लिश हैं कि नहीं, वैदिक टाइम में लोग लिबरल थे, खाते थे, और मैंने एक जगह देखा कि ये लिखा हुआ था कि जो ऋषि हैं, संत हैं, वो अतिथि स्वरूप कोई आ रहे हैं तो उनको भोजन स्वरूप दे रहे हैं। अब देखिए यही होता है कि सिर्फ आप शब्द का अर्थ का अनर्थ निकालना चाहते हैं तो आप क्या हुआ ना, पूरे वेस्ट ने ट्रांसलेट बस किया है, मैक्स मुलर और किसी ने, ट्रांसलेशन नॉलेज नहीं देता है। पहली बात, शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीन साथ में मिलता है तब मीनिंग आता है, आशय। तो शुरुआत में मैंने बात की कि सात्विकता आधार है संतों का, ऋषियों का, एंड जो सत्व रज तमस जो तीन गुण हैं, हम बोलते हैं ना कि भोजन आधारित, दिनचर्या आधारित, किसके साथ समय बिता रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि आपकी प्रकृति क्या होगी। तो ऐसा व्यक्ति जो मीट कंज्यूम करेगा, सात्विकता उसकी रिड्यूस होगी, तो उनकी जो ध्यान साधना तपस्या है वो बर्बाद होगी कि नहीं होगी। तो एटलीस्ट आप कुछ भी बोल दो, आप ये बोल सकते हो कि लौकिक व्यक्ति या कोई और कंज्यूम कर रहा है, चलो उस पर हम डिबेट कर सकते हैं। इनका क्या है कि जैसे ये ब्राह्मण्स को जैसे अटैक करते हैं संत पे, तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि खाते थे, एक श्लोक का अर्थ का अनर्थ निकालकर, ठीक है। ये भी आधार नहीं मालूम है कि एक शब्द संस्कृत का 4-5 अर्थ निकलते, पॉइंटर्स होता है संस्कृत, जैसे वेद है, वेद हम बोले आयुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अब बोलेंगे ये वृक्षायुर्वेद और आयुर्वेद में वेद लगा हुआ है, ये वेद क्यों है, तो क्यों, क्योंकि वेद का अर्थ ज्ञान नहीं होता है सिर्फ, वेद विद धातु से बनती है, वेद का अर्थ लाभ भी होता है। सो ऐसा ज्ञान विज्ञान जो आयु की आपकी वृद्धि कर रहा है, आपको हेल्थ में लाभ पहुंचा रहा है, उसी को हम आयुर्वेद कहते हैं। तो वो वेद नहीं है वो वाला जिससे हमारा होते हैं, जो विद्या की तरह है, ऐसी विद्या जो गलत हाथों में पड़ जाए तो खतरनाक हो सकती है, जैसे आयुर्वेद से हम पॉइजन भी बना सकते हैं, ओके। सो इट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अविद्या। तो अघन्य है, एटलीस्ट मेरे रिसर्च पेपर, मेरे अंडरस्टैंडिंग, संत महात्मा ऋषि और भारत अगर आध्यात्मिक देश है तो मैक्सिमम पॉपुलेशन इसको नहीं खा रही।